हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू द सीरीज जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज जीएसईबी की कंप्यूटर स्टडीज की बुक को। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी दो वीडियोस होंगे, जिसमें हम एक में बात करेंगे इस चैप्टर की थियोरी की और दूसरे में बात करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज की। इसके आगे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर, जहाँ हमने एक फॉर्म बनाया था फ्रंट एंड के लिए। वो वीडियो अगर नहीं देखा है, मैं बोलूंगा एटलीस्ट एक बार उसमें उसका एग्जाम्पल 1.2 बना लेना अपने पास एक फाइल में, ठीक है। कंपोजर का एग्जाम्पल था दो, मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि आप पूरा का पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको वो चैप्टर पे भी कमांड आ जाए, ठीक है। और ऑल्सो ये एग्जाम्पल बनाने का मैंने इसलिए बोला कि जिससे आपको इस वीडियो में आगे जावास्क्रिप्ट को फॉलो करने में थोड़ी आसानी रहे, ठीक है। और अगर आपको ये हेल्प करता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्वागत करता हूं आप सबका डिस्कोडिंग पर। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। जैसे हमने पिछले चैप्टर में बात की, हम पूरा का पूरा फ्रंट एंड बनाया था जो वेबसाइट की शक्ल थी। अब क्या बनाएंगे, वेबसाइट की अक्ल, और उस शक्ल को भी थोड़ा बहुत मेकअप लगाएंगे, ठीक है। तो सीएसएस क्या करता है, सीएसएस का नाम ही देखो क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो कि वो जो शक्ल है, वो जो फ्रंट एंड है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत हमें एडिटिंग करना है, थोड़ा बहुत बढ़िया दिखाना है, तो सीएसएस को यूज किया जाता है, ठीक है। सीएसएस को काफी सारी अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, काफी सारी अलग अलग टाइप ऑफ लैंग्वेजेस भी इसमें अंदर अंदर अवेलेबल होती है, ठीक है। हम लोग बेसिक से ही करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। जैसे हमने हर बार हर चैप्टर में हम लोग डिसाइड करते हैं कि भैया कौन से टॉपिक पढ़ने, टॉपिक्स की बात करते हैं। तो पहले सीएसएस से इंट्रोडक्शन ले लेंगे, फिर सीएसएस के सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, सिलेक्टर, डिक्लेरेशन, फिर एनेबलिंग सीएसएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएसएस करेंगे। ये हो गई थियोरी की बात। प्रैक्टिकल में हम बात करेंगे लेबोरेटरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, ठीक है। हमें टेक्स्ट बुक में नो डाउट एग्जाम्पल दिया गया है, मैं उसको पीडीएफ से कवर कर लूंगा, ठीक है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन वही सेम टाइप ऑफ एकदम ऑलमोस्ट सेम, ठीक, लेकिन लैब एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत ज्यादा पार्ट कवर हो रहा है, तो हम लोग लैब एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है दोनों, और आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। ओके, दूसरे पार्ट, इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट से इंट्रोडक्शन लेंगे। अब ये जो सेकंड पार्ट है ना, वो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, उसका थियरी थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आपको समझाने की जिम्मेदारी मेरी, आपको समझ आ जाएगा उतनी मेरी गारंटी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है, कौन से यूजर डिफाइंड फंक्शन, वेरिएबल, इफ स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये जो है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर इवेंट्स रहेंगे, 3-4 इवेंट्स है, और इवेंट्स का ना हमें बुक में पूरा का पूरा एक टेबल दिया गया है, ठीक है। वो टेबल हमें ध्यान में रहना चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है, कौन से इवेंट्स है, एटलीस्ट कहां पर ट्रिगर होते हैं, याद रहे, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते, आगे है एडिंग फॉर्म वैलिडेशन, ये हमारे एग्जाम्पल की बात हो गई। जावास्क्रिप्ट में हम लोग दो एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की तरफ, इंट्रोडक्शन टू कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स नोन एज सीएसएस। तो सीएसएस क्या होता है, व्हाट इज सीएसएस? सीएसएस कुछ इस तरह की लैंग्वेज है, इस तरह का हम लोग कोड लगाते हैं जहां पर, कि जिससे हम लोग विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज के लिए स्टाइल्स को डिफाइन कर पाए। स्टाइल्स मतलब कैसे दिखाना है, ठीक है, मतलब वो प्रेजेंट कैसे करना है यूजर को। नेक्स्ट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सेपरेट फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ डिस्प्लेइंग इट। अरे देखो यार, अगर इसके नीचे ना, ये जो यहाँ पर जो पैराग्राफ है, तो सबसे पहला पैराग्राफ है हमारे बुक का, ठीक है, उसके नीचे एग्जाम्पल दिया गया है। अब क्या होता है, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ कि हमें ऐड करना है कहीं पर कुछ फॉन्ट का कोई स्टाइल ऐड करना है जो हम लोग सारी जगह पर अप्लाई करेंगे। लेट से H1 टैग है, ठीक है, H1 टैग के हमने अंदर कुछ अलग अलग हमें फॉन्ट्स अप्लाई किए, हमने उसका कुछ कलर दे दिया, हमने उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है। तो ये हर बार डिफाइन करने की जगह, मतलब आपका वेब पेज ही कितना बड़ा हो जाएगा, आप हर बार कोई ना कोई हेडिंग लगाओगे, उसके लिए हर बार कोई ना कोई ऐसे पूरा का पूरा उसकी स्टाइल्स और वो सारी चीजें डिफाइन करके, उससे अच्छा ये है कि आप एक ही बार में डिफाइन कर दो। वही चीज ये सीएसएस फॉलो करता है, कि सीएसएस क्या करता है, एक ही बार पूरा का पूरा पूरे के पूरे एलिमेंट के लिए स्टाइल को डिफाइन कर देता है, ठीक है। तो इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सेपरेट फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ डिस्प्लेइंग इट। कैसे दिखाना है वो चीज अलग रखेगा, और क्या दिखाना है वो चीज अलग रखेगा, ठीक है। दिस डिटेल ऑफ हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट इज नोन एज स्टाइल।
ये लाइन का इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये स्टाइल नामक वर्ड की डेफिनेशन रहेगी, ठीक है। स्टाइल स्पेसिफाइज द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर कैसे एलिमेंट्स दिखेंगे वो चीज कैसे डिफाइन, वो चीज कौन डिफाइन करता है, स्टाइल डिफाइन करता है, ठीक है। वो अब ये सीएसएस का फायदा क्या है, क्योंकि वो डुप्लीकेशन इन कोडिंग नहीं होता, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि आपने बार बार सेम ही फॉन्ट, जैसे आपने फॉन्ट को अप्लाई किया, फॉन्ट टैग लगाया, उसमें डाल दिया स्टाइल, ठीक है, स्टाइल डाला, साइज डाला, कलर डाला, अब वो तीनों चीज आप बार बार रिपीट करो, तो वो बार बार रिपीट करने की जगह एक ही बार में लिख दो, तो वही चीज ये सीएसएस हमें करने को हेल्प करती है। तो अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग, कोडिंग में डुप्लीकेशन कम कर देता है, ठीक है। यूज द सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड इजी मेंटेनेंस ऑफ कोड। अब लेट्स से आपको एक ही झटके से पूरा का पूरा H1 टैग को उड़ाना है, ठीक है। लेट्स से H1 टैग के लिए कोई फॉर्मेटिंग एक साथ ही करनी है, ठीक है, तो ये पूरी चीज कहां पर हो जाएगी, आप सीएसएस में एक जगह पर चेंज कर दो, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी H1 टैग है वो सारी जगह आपकी अलग उस तरह से फॉर्मेट हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको तुरंत उतर जाएगा कि क्या डिफरेंस आता है, ओके। तो इजी मेंटेनेंस ऑफ कोड, ठीक है। इससे कारण और एक चीज क्या होती है कि वेबसाइट आपकी थोड़ी हल्की बन जाती है तो ब्राउजर भी उसको फास्टर इंटरप्रेट करता है, तो आपके जो गूगल सर्चेज है वो सारे भी उसके बहुत सारे क्राइटेरिया है, उसमें से एक क्राइटेरिया ये भी है कि थोड़ा वेबसाइट फास्ट लोड होना चाहिए, ठीक है, ओके। बुक के नेक्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एकदम इंट्रोडक्शन है, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया इसका एग्जांपल, सीएसएस का यूज करते हुए एग्जांपल बताया कि कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, जैन लोगों ने बोल्ड और पैराग्राफ टेक्स्ट को यूज किया, ठीक है, ओके। उसमें हम लोग ज्यादा नहीं जाते क्योंकि ये चीज हम लोग वैसे भी करने वाले, ठीक। आगे बढ़ते हैं सिंटेक्स ऑफ सीएसएस की तरफ। सीएसएस को सीएसएस के स्पेशल सिंबल्स को रूल्स बोला जाता है, ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ रहा है एक्सरसाइज में, ठीक है, ध्यान में रखना। सीएसएस सॉरी सिंटेक्स ऑफ सीएसएस consists of special symbols called rules. अब rules में दो पार्ट है, एक selector, दूसरा declaration. Selector क्या है? Selector वो है कि कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, HTML element to apply the style, और declaration. अब declaration के अंदर दूसरे दो पार्ट है, ये तो आप दो पार्ट देख रहे हैं, property और value, ठीक है, ये इसी order में लिखा जाता है, selector फिर curly bracket फिर property semicolon, sorry, selector curly bracket property colon values. ये सिंटेक्स कॉमन है सारे सीएसएस के लिए, ठीक है। अब उसके आगे थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत बेसिक सा सीखना है, ठीक है। तो अब उसके अंदर क्या है, एक प्रॉपर्टी आप डिफाइन करोगे, कौन सा फॉर्मेटिंग लगाना है और उसका वैल्यू की कैसा फॉर्मेटिंग लगाना है। लेट्स से आपको कलर कलर है वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब कोई भी कलर हो सकता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी हो सकता है, और उसकी वैल्यू जैसे कि ग्रीन यहां पर दी गई है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर डिफाइन होती है सिंटेक्स ऑफ सीएसएस के लिए। अब कंपोजर में सीएसएस को प्रेफरेंशियली यूज करना है। कंपोजर क्या करता है, आपके टैग के आगे, लेट्स से आपने कुछ फॉन्ट फॉर्मेटिंग लगाया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो टैग के आगे वो ऐसे फॉन्ट्स के फॉन्ट का टैग लगाता है कि जिसके कारण ये सारा फॉर्मेटिंग जाता है। अब अगर आपको सीएसएस को प्रेफरेंशियली यूज करना है कंपोजर में, तो आपको इस तरह से जाना है टूल्स, फिर उसमें प्रेफरेंसेस, उसमें जनरल, जनरल में जाके यूज सीएसएस स्टाइल इंस्टेड ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स। ये चीज मैं आपको जब हम लोग कंपोजर स्टार्ट करेंगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद सीएसएस का पूरा एग्जांपल है, ठीक है, H1 टैग यूज करके फिर गुजरात टूरिज्म बनाया है, गुजरात टूरिज्म लिख के ऐसे बनाया हुआ है, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा अलग करेंगे क्योंकि हम लोग कौन सा करें, लेबोरेटरी एक्सरसाइज नंबर वन, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल मैं इसके एंड में ले रहा हूँ, पहले हम लोग पूरी की पूरी थियोरी कवर कर लेते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस, सीएसएस का एडवांटेज क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले एडवांटेज तीन तो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिए, कौन से तीन थे, ये तीन थे, अवॉइड डुप्लीकेशन इन कोडिंग, यूज द सेम कंटेंट विद डिफरेंट स्टाइल फॉर डिफरेंट पर्पसेस एंड इजी मेंटेनेंस ऑफ कोड। तो ये तीन तो हमने पहले डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसके आगे देखो, इसके आगे बताता हूं कि सीएसएस अलाउज अस टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ द वेबसाइट विदाउट चेंजिंग द डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट, वही सेम चीज है, जो कंटेंट है वो अलग है, जो आपका फॉर्मेटिंग है वो अलग है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपकी अलग हो जाती है, तो इसके कारण क्या फायदा हो जाता है कि आप यहां पर से वो कंटेंट को कुछ चेंज नहीं कर पाओगे गलती से, ठीक है, उसका डर नहीं रहेगा आपको, आप बिंदास होके पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग आप आराम से चेंज कर सकते हो, ठीक है, ओके। इट अकर्स एज द फॉर्मेट एंड लेआउट एज आर बोथ सेपरेटेड अवे, दोनों मैंने जैसे बताया कि फॉर्मेटिंग अलग है और टेक्स्ट अलग है, जो आपका अंदर का डेटा है वेबसाइट जो आपको यूजर को दिखाना है वो अलग है, और उसको कैसे दिखाना है वो अलग है, यही सीएसएस का सबसे पहला मेन एडवांटेज है, ठीक है। सेव टाइम फॉर डेवलपिंग एज अ स्टाइल इज टू बी डिफाइंड ओनली वंस, एक ही बार में हो जाएगा, हेंस मेकिंग इट क्विक एंड एफिशिएंट,
मैंने बताया जैसे कि पूरी की पूरी वेबसाइट में H1 टैग के लिए सारे ने हम लोग ने कलर और कलर को फ्रंट कलर को ग्रीन डिफाइन कर दिया खत्म बात एक ही झटके में हो गया पूरा ठीक है। मिक्स पेजेस हैव लेसर कोड एंड हेंस लोड फास्टर, ये इंपॉर्टेंट है कि फास्ट लोडिंग के लिए सीएसएस को यूज किया जाता है ठीक है। अब जो चीज एडवांटेजियस हो सकती है उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या है तो कि कंपेटेबिलिटी वेरीज विद डिफरेंट ब्राउजर्स, लेकिन आज के टाइम में इतना बहुत कंपेटेबिलिटी का इश्यू नहीं है ठीक है। वह सारे ब्राउजर्स एक जनरलाइज सीएसएस को एक जनरलाइज स्टाइल्स को फॉलो करते हैं ठीक है। ओके तो अब इसके बाद हम लोग ये एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं ठीक है। और सिमिलर एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें बुक में, जिसमें इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें मैंने इंक्लूड किया टेक्स्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन ठीक है। यहां पर इंक्लूडेड है, जो हमें इन टेक्स्ट दिया गया है वहां पर इंक्लूडेड नहीं है ठीक है। मैंने इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि इसमें भले थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा, 2-5 मिनट ज्यादा जाएगा ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कवर हो जाएंगे, आपका सीएसएस का पूरा ओरिएंटेशन आ जाएगा कि कंपोजर में कैसे लगाना है ठीक है। तो चलते हैं अब कंपोजर में। अच्छा तो चलिए अब हम आ गए हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2.1 की तरफ ठीक है, जो है लेबोरेटरी क्वेश्चन एक्सरसाइज, लेबोरेटरी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ठीक है। क्या बोल रहा है, एड सीएसएस टू अ टेक्स्ट इन H1 टैग यूजिंग सीएसएस बटन इन कंपोजर, अप्लाई द फॉलोइंग स्टाइल, ये स्टाइल हमें आर्ट स्टाइल हमें अप्लाई करनी है और टेक्स्ट हमें दिया गया है गुजरात टूरिज्म करके ठीक है। कहां पर दे रहा है, H1 टैग के लिए ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं कंपोजर में, मैं आपके सामने कंपोजर को ओपन करता हूँ ठीक है। ये ओपन किया कंपोजर, अच्छा ये टिप के लिए बहुत थैंक यू बट हमें नहीं चाहिए ओके, क्योंकि हम लोग हमारी पूरी की पूरी ये हमारे पास पूरी की पूरी ये चीज ही टिप में है तो फिर है ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ठीक है। हम हमें क्या क्या देना है, ये मैं क्या करता हूँ इसको मैं साइड बाय साइड कैस्केड कर लेता हूँ कि जिससे हमें इसको देखने में आसानी रहे और कंपेयर करने में आसानी रहे ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, हमारे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H1 टैग दे रहे थे, यहाँ पर हमने बात करी फॉर्मेट टूल बार 1 जहां पर से सारे के सारे जनरलाइज्ड ऑप्शन मिलते हैं, और फॉर्मेट टूल बार 2 जहां पर आप किसी एक को टारगेट करें, किसी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को टारगेट करके उसका एडिटिंग कर सकते हो है ना, याद आया। तो फॉर्मेट टूल बार 1 की तरफ चलते हैं, उसमें हेडिंग नंबर 1 ले लेते हैं ठीक है। H1 टैग को हमें अप्लाई करना है तो हेडिंग 1 दे दिया हमने, इसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया गुजरात टूरिज्म ठीक है ओके। अब ये हमारा H1 टैग के लिए हमारा टेक्स्ट हो चुका है ठीक है, टेक्स्ट हमने दे दिया है। अब हम लोग यहाँ पर ये स्टाइल्स अप्लाई करेंगे, कहां पर जाएंगे, सीएसएस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सीएसएस के बटन पे क्लिक करोगे आपको मिलेगा ये पेज टाइटल नाम का, पेज टाइटल नाम का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग अभी के लिए फाइल 1, कुछ भी नाम दे सकते हैं ठीक है। यहाँ पर हम लोग ये सीएसएस नामक फोल्डर में इसको सेव कर देंगे ओके। अब यहाँ पर ये सीएसएस स्टाइल शीट्स नाम का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है ठीक है। क्या करेंगे क्लिक, तो ये स्टाइल अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप ठीक है, मतलब H2 की तरह इसको अप्लाई करेंगे। मतलब कोई भी एक टैग के लिए हमें जब अप्लाई करना हो ना तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, सेकंड एलिमेंट्स ऑफ सेम क्लास, ये हम लोग थोड़ा एडवांस वर्जन डिविजन जब क्लिक करते हैं ना हम लोग ठीक है, तो वो चीज हम लोग वहां पर कर सकते, उसको क्लास के लिए वो डिफाइन होता है, हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं करें ठीक है। फिर स्टाइल अप्लाई टू एलिमेंट विद स्पेसिफाइड, ये भी थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा ये सारी चीजें बाकी के ऑप्शन एडवांस रहेंगे, जो सिलेक्टेड है वही से काम करना है। यहां पर देखो ये यहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहां पर एंड पर ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इधर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे H1 हाइट ठीक है, इसी पर ये हमें अप्लाई करना है ठीक है, सीधी सी बात है तो H1 ही सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट स्टाइल लोड कर देते हैं ठीक है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आती है ये 7 टैब, सारी की सारी टैब को मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं क्या चीज कर दी है ठीक है। जनरल जनरल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो ब्लैंक बॉक्स है ना, जैसे हम लोग ये बाकी के टैब से सीएसएस को पूरा का पूरा बनाएंगे ठीक है, इसमें फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे यहाँ पर इन सभी से, वैसे ये हमारा यहाँ पर एक सीएसएस का कोड जनरेट हो जाएगा ठीक है। मतलब वो एक सीएसएस का कोड आपको बताता है कि हमने ये जनरेट किया है ओके। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट पर फॉन्ट फैमिली आ जाता है ठीक है, फॉन्ट साइज, लाइन हाइट, कलर, ये मतलब जो भी चीज आपके टेक्स्ट के साथ रिलेटेड है ना वो सारी कहां पर मिलेगी आपको, टेक्स्ट टैब में मिलेगी। बैकग्राउंड जो भी आपका सिलेक्टेड एलिमेंट है उसके बैकग्राउंड का आपको कैसे बनाना है वो चीज ठीक है, यहाँ पर कलर, इमेज, ओपेसिटी कुछ भी आप डाल सकते हो ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट है बॉर्डर्स, बॉर्डर्स मतलब वही सेम अगर आपका एलिमेंट जो भी है ठीक है, वो सेम एलिमेंट के लिए आपको जो भी अराउंड कोई भी बॉर्डर आपको मार्क करनी है तो यहां पर जाओगे आप बॉर्डर्स में ठीक है ओके। ये बॉक्स है, बॉक्स भी सेम ही टाइप का, मतलब उसका जितना एरिया आपको अपने फ्रंट एंड पे कवर कराना है वो
ठीक है, लिस्ट और ये ऑरल, ये अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो हम वापिस चलते हैं टेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। फर्स्ट आता है फॉन्ट। फॉन्ट को मैं यहाँ पर प्रीफर करूंगा प्री डिफाइंड के लिए। कस्टम फॉन्ट में भी आप देखो तो यहाँ पर टाइम्स लिखोगे, टाइम्स न्यू रोमन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप टी क्लिक करोगे ना, टी अपने कीबोर्ड पर दबाओगे, यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन मिल जाएगा, ठीक है। आप प्री डिफाइंड से कर सकते हो, मैं यहाँ पर इससे करूंगा, ठीक है। तो मैं प्री डिफाइंड से कर रहा हूँ। फॉन्ट साइज देना हो तो दे सकते हो, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर आप चेंजेस भी देख सकते हो पीछे जो होते जा रहे। कलर हमें देना पड़ेगा कंपलसरी, रेड कलर बताया है, ठीक है, तो रेड कलर हमने कर दिया। फॉन्ट का वेट चलो दे देते हैं, थोड़ा नया करते हैं। फॉन्ट का वेट मैंने कर दिया बोल्ड, ठीक है, बोल्ड किया। फॉन्ट का स्टाइल हमें बताया गया, देखो यहाँ पर इटैलिक देना है, तो फॉन्ट का स्टाइल मैंने दे दिया इधर को इटैलिक। केस, केस हमें बताया गया लोअर केस देना है, लेकिन ये क्योंकि ये हेडिंग है मैं इसको अपर केस दे रहा हूँ। लोअर केस भी दे सकते हो यहाँ पर से, यार ऐसे लोअर केस को भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सेम ही चीज हो जाएगी, ठीक है। अलाइनमेंट हमें बोला गया सेंटर में कर दो, कोई बात नहीं सेंटर में करते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन में बोला गया अंडरलाइन कर दो, ठीक है, तो अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। ये उल्टा क्यों आ रहा है, लेकिन कुछ गड़बड़ है क्या, चलो देखते क्या होता है। बैकग्राउंड पे चलते, बैकग्राउंड में डाल दिया हमने लाइट ग्रे, ठीक है, लाइट ग्रे उठा के डाल दिया, ओके। और बॉर्डर्स में हमें बोला गया है डॉटेड बॉर्डर्स, तो ठीक है डॉटेड बॉर्डर्स कर देते, ओके, ठीक है। ये अंडरलाइन ऊपर क्यों गया मुझे वो समझ नहीं आ रहा, अंडरलाइन अबो लाइन कैसे हो गया। वापस इसमें चलते, इसमें देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है क्या। अच्छा ये ओवरलाइन मैंने सिलेक्ट किया है क्या, ओके, अंडरलाइन पे चला जाते, ठीक है, तो ये अंडरलाइन हो चुका है, ओके। अब ये फाइल मैं आपको सेव करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरे ब्राउजर में खोल के, ठीक है। तो ये मैंने फाइल ओपन कर दी है। एज यू कैन सी हमने इधर गुजरात टूरिज्म को सेंटर में लिया है, सी के सेंटर में लिया है। फॉन्ट लगा दिया टाइम्स न्यू, टाइम्स न्यू लगा दिया। कलर रेड लगा दिया, कलर रेड लगा दिया। लोअर केस में, लेकिन हमने यहाँ पर अपर केस में किया, लोअर केस भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। फिर इटैलिक हमने लगा दिया, इटैलिक आ गया। अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट सेंटर। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, अंडरलाइन आ गई। बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे, कलर लाइट ग्रे आ गया है। और बॉर्डर डॉटेड, डॉटेड बॉर्डर हमारी हो गई है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट होता है, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है ना बुक में, मैं आपको वहां पर से पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है, ओके। एक पॉइंट रह गया हमारा यहाँ पर, मुझे बताना। हमने बात की थी प्रेफरेंशियल सीएसएस के लिए, जहां पर हमें प्रीफर करना है सीएसएस को कंपेयर टू फॉन्ट, सॉरी कंपेयर टू एचटीएमएल टैग को, ठीक है। तो चाहो हम लोग जाएंगे टूल्स में, टूल्स में देखो यहाँ पर है प्रेफरेंसेस, दिख रहा है प्रेफरेंसेस में हम लोग ये जनरल में गए, वही था ना, क्या था, टूल्स, टूल्स प्रेफरेंसेस जनरल और यूज, यहाँ पर ये है यूज सीएसएस इंस्टेड ऑफ एचटीएमएल एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये ऑलरेडी मार्क कर गया है, मैंने नहीं किया है, ठीक है, ये जो भी मैंने किया है वो आपके सामने ही खोला हुआ है, ओके। अब मैं एक चीज आपको यहां पर बताऊंगा, देखो चलेंगे सोर्स में, सोर्स में दिख रहा है ये देखो ये स्टाइल, ये स्टाइल एलिमेंट हमने ऐड कर दिए, जो मैंने बताया ना, ये हम लोग सीएसएस के मोड से गए, ठीक है। तो इसको इसको वापस डिजाइन पर चलते, ये सीएसएस के कारण ये आ चुका है, ये सीएसएस का सोर्स कोड इसमें बन चुका है, ओके। अब हम लोग कहां पर जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे हमारे बुक में, और ये जो आगे का ये जो एच वन वाला रह गया है ना, ये वाला जो ओरिजिनल मतलब जो इंटेक्स एग्जाम्पल है, ज्यादा कुछ नहीं, ये इंटेक्स एग्जाम्पल है, ये मैंने लैब एक्सरसाइज से लिया हुआ है। इंटेक्स एग्जाम्पल को कवर करते हैं और यहां पर से इसको हम लोग ये पार्ट सीएसएस का कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला, एच वन टैग के लिए डालना है, लेकिन यहां पर ये पांच ही एलिमेंट, पांच ही प्रॉपर्टीज के लिए सिलेक्ट किया गया। अच्छा मैं एक चीज यहां पर बताना भूल गया, जाते हैं डिजाइन टैब में, जाते हैं सीएसएस में, यहां पर देखो एच वन को यहां पर ये लोगों ने सिलेक्टर बोल दिया है, और ये सारे क्या है, डिक्लेरेशन है, जिसमें ये प्रॉपर्टी और ये इसकी वैल्यू हो गई। चलिए तो अब हम लोग आते हैं बुक में, बुक में क्या डिस्कस किया गया देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेम ही है, देखो एच वन टैग का ही हमें यहाँ पर बात की है, सेम तरह से ही है, बस इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, मैंने जैसे बताया था कि थोड़ा बहुत फॉन्ट स्टाइल और ये सारी चीजें इन लोगों ने कवर नहीं किए यहाँ पर इन टेक्स्ट वाले में, ठीक है। ये एक सेम ही चीज है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, ठीक है। बढ़ते ओपन ए न्यू फाइल, टाइटल दे दो, कंपोजिशन टूल बार पे सीएसएस वाला बटन को क्लिक कर दो, रेडियो बटन फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। स्टाइल अप्लाई टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, सेम टाइप मतलब क्या हो गया, फिर से मतलब कोई एचटीएमएल टैग के लिए बात हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते ड्रॉप डाउन, मैंने चूज एन एलिमेंट टू क्रिएट अ स्टाइल रूल, एज वी वांट टू क्रिएट स्टाइल रूल फॉर हेडिंग वन, वी हैव सिलेक्टेड एच वन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। अच्छा अब यहां पर मैं चलता हूं, यहां पर मैंने बताया जैसे कि ये सिलेक्टर हो गया, ये डिक्लेरेशन और ये सारी बात हो गई, यहां पर मैं थोड़ा नीचे आता हूं, ठीक है। और यहां पर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ हेडिंग नंबर टू, यहां पर मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, वेलकम टू अवर साइट, अवर वेबसाइट,
ठीक है, मैंने यहाँ पर H2 करके टाइप किया तो ये ऐसे आ गया। सेम चीज अब मैं वापस कहाँ कैसे टाइप करूंगा, हेडिंग वन, तो ये ऑटोमेटिकली देखो इसने CSS को अप्लाई कर दिया, ऑटोमेटिकली इसने ये पूरा का पूरा ले लिया। मैं फिर से लिखूंगा वेलकम, अब यहां पर मैंने कैप्स लॉक को भी ऑन नहीं किया हुआ है, ठीक है, वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है, सेम चीज हो गई। ठीक है, H1 से भी ये H1 ने इसने CSS को अप्लाई कर दिया, H2 के लिए हमने कोई CSS को डिफाइन नहीं किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट जो भी चल रहा है वैसे जाने दे रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां पर आगे बढ़ते कहां गए, क्रिएट स्टाइल रूल बटन क्लिक ऑन, क्रिएट स्टाइल रूल उस पर क्लिक किया था, CSS स्टाइल शीट्स डायलॉग बॉक्स रिमेन ओपन बट द ऑप्शंस विल चेंज, हमने ये 60 टैब देखी थी, है ना, H1 ये 60 अलग अलग टैब बताते हैं, और ईच ऑफ दिस टैब इज यूज्ड टू गिव स्पेसिफिक स्टाइल टू द एलिमेंट, ठीक है, ऑल द टैब्स मे नॉट बी एप्लीकेबल टू द सिलेक्टर फॉर विच द स्टाइल रूल इज क्रिएटेड, हमने देखा था ये पीछे की तीन हमने यूज नहीं की थी, ठीक है। H1 को यहां पर से क्लिक करना है, यहां पर ये देखो H1 दिख रहा है मुझे, यहां पर H1 को क्लिक करना है, ठीक है, अच्छा इसको जूम इन कर देते थोड़ा, आपको भी दिख जाए, ठीक है, इसमें कर देते फिट विड्थ है, कहां पर किधर गया, एडिट नहीं, ठीक है, चलो ये रहा फिट विड्थ, ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया भाई जो फुल विड्थ था, ठीक है, ये फिट विड्थ कर दिया, ठीक है, ओके वापस आते हैं। H1 को यहां पर से सिलेक्ट किया, H1 इन द लेफ्ट पेन क्लिक ऑन द टेक्स्ट टैब, हमने जो भी जिस हिसाब से किया है ना वही चीज है, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं बस, ओके यही सेम चीज है। यहां पर देखो प्रीडिफाइंड को यूज किया, वी विल यूज द प्रीडिफाइंड एंड चूज, क्यों यूज किया है ये इन लोगों ने भी नहीं बताया, ओके आगे बढ़ते, बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, ओके फिर इसके बाद बॉर्डर्स को सेट करना है, ठीक है, बॉर्डर्स को हमने डॉटेड कर दिया था, यहां पर सबसे ऊपर वाला हमने मार्क करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू अप्लाई द सेम बॉर्डर ऑन द ऑल द फोर साइड टिक द चेकबॉक्स इन द फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ऑल फोर साइड यूज द सेम बॉर्डर स्टाइल, हमने एक ही सिलेक्ट किया और चारों के चारों साइड सेम बॉर्डर स्टाइल आ चुका है, ठीक है, देयर आर मोर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है, और आप यहाँ पर कर सकते हैं, ये मैंने जैसे बात की जनरल टैब में क्या हुआ, CSS कोड दिखा, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको CSS अपने हिसाब से भी ऐड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा CSS का पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। CSS का यहाँ पर हमने सोर्स टैब में मैंने आपको जैसे बताया, देखो फिर से बता देता हूँ, ये इन लोगों ने अपने आप हेड टैग में अपने आप ये पूरा का पूरा CSS का कोड डाल दिया है, ठीक है, ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हमने डिस्कस कर लिए, ओके, और इसी के साथ हमारा CSS जो ये चैप्टर का फर्स्ट हाफ था कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हाफ में हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट, इसकी थियोरी भी काफी लंबी रहेगी और प्रैक्टिकल भी उतनी ही इंटरेस्टिंग रहेंगे, लंबे रहेंगे लेकिन इंटरेस्टिंग रहेंगे, क्योंकि तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट का ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट को। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आ गए वापस अपने स्लाइड शो में, लास्ट पार्ट में हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, CSS को अप्लाई किया था, ठीक है, ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ इस चैप्टर के, जो है इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट समझते क्या है, क्यों है, किस लिए है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट को पहले बनाया क्यों, ठीक है, मतलब उसका कारण क्या था बनाने के लिए, तो HTML हम लोग यूज करते हैं, हमने देखा HTML के कारण कोई भी इंटरेक्टिव हम लोग वेब पेज नहीं बना पा रहे थे, ठीक है, हमने देखा था वो, तो HTML सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेब पेज को बनाने के लिए था, तो इसीलिए जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा, जैसे जैसे उसका स्पान बढ़ा इंटरनेट, तो लोगों को लगा कि नहीं अब थोड़ा इंटरेक्टिव वेब पेज हमें चाहिए, थोड़ा बहुत यूजर भी खुद के तरह से वेब पेज को अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सके, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस हुआ नेटस्केप ने इंट्रोड्यूस किया, ये क्वेश्चन रहता है किसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउज यू टू ऐड प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स टू योर वेब पेज, वेब पेज के लिए कोई भी अगर आपको प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट डालना है, जैसे कि कोई बैकएंड पे कोई एडिशन कैलकुलेशन कुछ करना है, ठीक है, किसी तरह से कुछ वैल्यूज को सेव करना है, कुछ भी हो रहा है, तो उस सब के लिए क्या यूज करना है, हमें जावास्क्रिप्ट यूज करना है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज अ सिंपल सॉरी अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज अ सिंपल लाइटवेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट डजंट कंटेन एडवांस प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज एज इन सी एंड जावा, मतलब क्या, तो हमने यहां पर बात की एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो ये एक हल्की सी लैंग्वेज रहती है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं कर पाते यहां पर आप, तो वो एडवांस प्रोग्रामिंग फैसिलिटीज ये सारी चीजें जावास्क्रिप्ट में नहीं कर पाओगे आप, जैसे हम लोग सी और जावा में देखते हैं, ठीक है, ओके, तो जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज होता है, तो कि जावास्क्रिप्ट के यूजेस है इंप्रूवमेंट ऑफ डिजाइन, वैलिडेशन ऑफ फॉर्म्स, ये चीज हम लोग कर चुके करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है,
एग्जाम्पल में यही करना है, दो एग्जाम्पल है दोनों में ऑलमोस्ट यही करना है, ठीक है। फिर चेंज द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज पर सिलेक्शन, जैसे आपका यूजर क्लिक करता है आपके एचटीएमएल एलिमेंट्स पर, वैसे वैसे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कई कई बार कभी कभी हमें अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि लेट से यूजर ने क्लिक किया, लेट से कोई उसने इश्यू बताना है और उसने यूजर ने क्लिक किया अदर इश्यूज, तो फिर वहां पर आपको एक टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को ऐड करना है, तो वो कैसे करोगे, जावास्क्रिप्ट की मदद से, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा इतना एडवांस में हम लोग जाएंगे नहीं। रीडायरेक्ट टू सर्टेन वेब पेजेस ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन बाय द यूजर, ओके। अब आपने क्या किया, अमेजोन पे गए, अमेजोन की वेबसाइट पर आपने किया रिटर्न प्रोडक्ट, क्यों किया, क्योंकि आपके प्रोडक्ट में कुछ फॉल्ट था या कुछ भी था, तो आपने क्या किया, आप गए अमेजोन की वेबसाइट पर, सबसे पहले तो amazon.in आता है, उसके बाद आगे जाके फिर आप क्लिक करते हो कि रिटर्न प्रोडक्ट, तो ये वेब पेजेस का रीडायरेक्शन कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करवाता है, ठीक है। दिस कैन बी इंसर्टेड डायरेक्टली इनटू एचटीएमएल कोड, हम लोग देखेंगे। वेब पेज इज नो लॉन्गर स्टैटिक एंड द इंटरएक्टिविटी कंट्रोल ऑफ ब्राउजर एंड एचटीएमएल कंटेंट क्रिएशन कैन बी डन। तो एचटीएमएल अब एक जहां पर हमने स्टैटिक वेब पेजेस बना चुके हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में ही हमने बनाया था, ठीक है, और इसलिए मैंने बोला था कि अब हमें फॉर्म एक बार आप बना लो, जिससे हमें ये जावास्क्रिप्ट को फॉलो करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ओके। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ जावास्क्रिप्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी जावास्क्रिप्ट मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, तो क्लाइंट साइड, क्यों, अरे देखो अब सर्वर पर दो टाइप की जावास्क्रिप्ट, एक सर्वर साइड और एक क्लाइंट साइड, ठीक है। क्लाइंट साइड क्या होता है, क्लाइंट मतलब जो आप यूजर हो, यूजर के कंप्यूटर पर ही सारा प्रोसेसिंग करके सिर्फ सर्वर को फाइनल डेटा दो, वो इजी रहेगा कि सर्वर पर सारे डेटा को प्रोसेस करो और वहीं पर स्टोर करो, कौन सा इजी रहेगा, ऑफकोर्स क्लाइंट के कंप्यूटर पर, क्योंकि वहां पर आपको सिर्फ एक ही कंप्यूटर को कवर अप करना है, लेकिन सर्वर पर तो कितने हजारों लाखों कंप्यूटर्स होंगे, तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप क्लाइंट साइड ही सारा का सारा प्रोसेसिंग कर दो और फिर सर्वर पर भेज दो। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डज ऑल द वैलिडेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग ऑन क्लाइंट साइड बिफोर सेंडिंग इट टू सर्वर, सर्वर बस सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ डेटा को एक्सेप्ट करेगा, उसका सॉल्यूशन लाएगा, ठीक है, ओके। तो जावास्क्रिप्ट को कैसे एचटीएमएल के अंदर लाएंगे, तो ये कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ये दो अपने एचटीएमएल के नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग के बीच में नॉर्मल एचटीएमएल सिंटैक्स की तरह इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये ध्यान रखना ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। अब वेरिएबल्स में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसका कोई टेंशन नहीं है, ओके। कैन बी प्लेस्ड इनसाइड आइदर बॉडी और बॉडी टैग में भी लगा सकते हो, हेड में भी डाल सकते हो, लेकिन जनरली इसको हेड में डालते हैं, क्योंकि बॉडी टैग में आपका कंटेंट रहता है, तो वहां पर चांसेस है कि आप कुछ गलती से चेंज ना कर दो, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के एंड में एक सेमी कॉलन ऐड करते हैं हम लोग, वो ऑप्शनल रहता है, लेकिन बेटर है कि आप डाल दो, रीडेबल रहे थोड़ा बहुत, आपको समझ आए जब आप अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ो, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड मेथड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इमेज डाली हुई है, ये हमारे बुक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पर एक ये स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पर एड कर दिया सेमी कॉलन। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है डॉक्यूमेंट और राइट क्या है मेथड, उसके अंदर इंक्लोज किया जाता है। ये चीज हम लोग देखेंगे ब्राउजर ऑब्जेक्ट या फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आगे जाकर आ रहा है, ठीक है, इसकी इसकी टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। तो अब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई इवेंट को ट्रिगर करना है, मतलब किसी आपने लेट से यूजर ने कुछ कुछ कांड किया, ठीक है, आपकी फ्रंट एंड पर, और उसके कारण आपको फॉलो अप करना है, आपके लेट से आपको जावास्क्रिप्ट को बताना है कि भैया ये करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो इसको लेट से फॉर एग्जांपल हमने यहां पर लिया सबमिट, ऑन सबमिट, लेट से सबमिट बटन यूजर ने क्लिक किया, फॉर्म को सबमिट किया, ठीक है। तो ऑन सबमिट क्या होता है, एक इवेंट हैंडलर आता है, इवेंट और इवेंट हैंडलर हम आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बस सिर्फ मुझे बताना है कि जावास्क्रिप्ट को आप एचटीएमएल के अंदर कैसे इंक्लूड करोगे। तो फॉर्म में आप एक एट्रीब्यूट ऑन डाल दोगे, ऑन सबमिट करके, एट्रीब्यूट क्या होता है, फॉर्म मतलब जो अपना टैग होता है उसके अंदर सारे सारे जो हम लोग आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं जो भी हम लोग आगे बताते हैं, ठीक है, उसको, ओके। तो ऑन सबमिट हमने दे दिया, रिटर्न फंक्शन वन, जो भी हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन क्या है, तो वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हम लोग देखेंगे नो डाउट इसके बाद वाली स्लाइड में, ठीक है। पैरामीटर्स अगर हमें कुछ देने हैं तो मेथड इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इक्वल टू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है, मतलब ये तो कॉमन सी बात है कि जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्म का कंटेंट और फिर स्लैश फॉर्म करके बंद कर देंगे। मेन यहाँ पर क्या था, ये ऑन सबमिट वाला एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यूजेज ऑफ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है, मतलब उसके अंदर कौन सी चीजें होती है, और वहां पर सबसे पहला एस्पेक्ट हम लोग देख रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है, ये फंक्शन या फिर एक रूटीन बोला जाता है, एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है,
ठीक है, मतलब यहां पर मैंने आपको बताया ना ये फंक्शन वन, तो ये क्या होता है, एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को यूज करने के लिए काम आता है। ये जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर किया जाता है फंक्शन कीवर्ड को यूज करके, और कोड को कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया जाता है। ये वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब कीवर्ड मैंने यूज किया, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो कोई भी लैंग्वेज होती है वो खुद के लिए रिजर्व करके रखती है, कि जिससे वो खुद समझ सके कि भैया मुझे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल पाइथन में एक कीवर्ड रहता है प्रिंट, प्रिंट के कारण वो क्या करता है कि जो भी हमने उसके अंदर कुछ भी अगर लेट से टाइप करने को उसको बोला है तो वो प्रिंट कर देता है कंसोल में, ठीक है। ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने बस सिर्फ कीवर्ड के बारे में बताया है कि कीवर्ड क्या होता है, कोई भी वो वर्ड जो लैंग्वेज खुद के लिए रिजर्व करके रखते हैं। जैसे हमने सी में देखा था, याद है सी में हमने देखा था प्रिंट एफ करके, ठीक है, इफ स्टेटमेंट देखा था, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एक तो यूजर डिफाइंड फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, फिर वेरिएबल्स डिस्कस कर रहे हैं, फिर कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी यहाँ पर के लिए इफ स्टेटमेंट, बिल्ट इन फंक्शन को डिस्कस करेंगे, अलर्ट आएगा, फोकस आएगा, ठीक है, वो सारे मेथड और फंक्शन वो सारी चीजें हो जाएगी, ऑब्जेक्ट नेम डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए मैंने बताया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पूरा का पूरा चलता है, ठीक है, और एक मेथड जिसका नाम है फोकस। तो स्टार्ट कर दे यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पर स्टार्ट कर ही दिया, फंक्शन के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे भी दिया। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, एग्जीक्यूटेड बाय एन इवेंट और व्हेन इट इज कॉल्ड इनसाइड द सोर्स कोड, मतलब यहाँ पर मैंने बात की ऑन सबमिट को हमने यहाँ पर फंक्शन दे दिया बस, तो इसी चीज का मैंने बात बताई, ठीक है। अपीयर्स व्हेन एन इवेंट इज ट्रिगर्ड इनसाइड द कोड कॉल्ड बाय इट्स नेम, तो फंक्शन वन मैंने यहाँ पर बताया ना फंक वन, तो ये अगर मैंने कहीं पर कोई स्क्रिप्ट में या फिर कहीं HTML में ऑन सबमिट ऐसा कुछ भी करके मैंने उसको बताया तो उसको हमें ये नाम से बुलाएंगे जो फंक वन मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। टेक्स अ सर्टेन वैल्यू इनसाइड द पैरेंथेसिस, अगर देनी है तो ऑप्शनल रहती है, ठीक है। कैन रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, मतलब ये आगे वो फंक्शन वैल्यू फंक्शन को आगे एग्जीक्यूट होने से रोक देता है, वहां पर आपका फंक्शन दी एंड हो जाता है। मतलब कोई अगर कोई वैल्यू फंक्शन को रिटर्न करवानी हो ना तो ये रिटर्न कीवर्ड को यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इवेंट्स की तरफ, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स मतलब इंटरेक्शन बिटवीन वेब पेज एंड यूजर कॉजेज द ब्राउजर टू जनरेट एन इवेंट, कोई इवेंट अगर आपको जनरेट कराना है तो कैसे करोगे आप, मतलब वो इंटरेक्शन के कारण जो भी चीज बनती है उसको बोला जाता है इवेंट, सीधी सी बात है। और ये इवेंट को हैंडल करने के लिए नाम बोला जाता है इवेंट हैंडलर, सिंपल है, ठीक है। इंटरेक्शन के कारण क्या जनरेट होता है, इवेंट, और इवेंट को ट्रिगर करने के इवेंट को हैंडल करने के लिए क्या बनाया जाता है, इवेंट हैंडल, इवेंट हैंडलर, सीधी सी बात है। नेम ऑफ इवेंट हैंडलर हमने बात की ऑन सबमिट करके, ठीक है, और इवेंट क्या था, सबमिट, जब यूजर सबमिट करता है तब इवेंट हैंडलर बनाया जाता है ऑन सबमिट, ठीक है। अब यहां पर ना HTML और JavaScript का बहुत सीधा सीधा बहुत अच्छी जुगलबंदी है इन दोनों में। लेट्स से अगर आपको इवेंट है अबॉर्ट, तो आप क्या करोगे, ऑन अबॉर्ट, अगर आपने बोला ब्लर तो आप क्या इवेंट बोलोगे, ऑन ब्लर, ठीक है, सीधी सी बात है, इसको ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर बोल देंगे ऑन फोकस, ऑन लोड, ऑन माउस आउट, ऑन माउस ओवर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ठीक है, ओके, ऑन रिसेट, ऑन सिलेक्ट, ऑन सबमिट, ऑन अनलोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इवेंट्स रहेंगे, ये टेबल मैक्सिमम आपको मिनिमम आपको ये इवेंट्स तो याद रहना ही चाहिए, और इसके सामने वाले अगर डिस्क्रिप्शन याद रह जाए तो भैया उससे बढ़िया बात हो नहीं सकती, ओके। आगे बढ़ते हैं वेरिएबल्स की तरफ, वेरिएबल क्या होते हैं, तो एक ऐसा कंटेनर जो डेटा को स्टोर करता है, वेरिएबल, और भी मैं आपको बताऊं, आपकी लेट से कोई मेमोरी, मेमोरी पता है, रैम पता है, रैम, तो मेमोरी के अंदर अगर आपको कुछ डेटा को डालना है तो वहां पर आप डालोगे वेरिएबल में। वेरिएबल क्या होता है कि अगर आपको उस वैल्यू को आगे जाके कुछ चेंज करना है तो वो वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इट्स केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव रहेगा, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी हुई है कि वेर कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे इसको, ठीक है। कीवर्ड फिर से मैं बता देता हूँ, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो वेर एक्स छोटा वाला इज नॉट द सेम एज वेर एक्स बड़ा वाला, ठीक है, और ये वेरिएबल का मैंने एग्जांपल दे दिया, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे इफ स्टेटमेंट की तरफ। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, कंडीशन को डिफाइन करता है, ठीक है, अलग अलग कंडीशन, जैसे कि कुछ भी आपको वैलिडेशन लगाना है तो यूजुअली आप इफ स्टेटमेंट को यूज करते हो, ठीक है। चेंजेस द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एंड वैलिडेट्स द वैल्यू, मतलब लेट से अगर आपको कुछ कुछ यूजर ने कुछ लेट से कोई वैल्यू सिलेक्ट कर दी, ठीक है,
यूजर ने कुछ वैल्यू को सिलेक्ट कर ली, तो उसके हिसाब से आपको अंदर प्रोग्राम में जब प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको प्रोग्राम का चेंज करना पड़ेगा कि भैया अब आगे इसमें यहां पर बढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट में अलग अलग लॉजिकल, मतलब कोई भी लैंग्वेज में ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होने ही चाहिए कि जिससे आप लोग प्रोग्राम के फ्लो को चेंज कर पाओ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में के लिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या रहेंगे, डेटा वैलिडेशन एंड चेंज द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, जावास्क्रिप्ट यूजेस द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेटर। ये सेम चीज जावा में भी आपको दिखेगी, ठीक है। डबल एंड लगाओगे तो एंड, डबल एम्परसेंट, इसको एम्परसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो डबल एम्परसेंट को लगाओगे तो एंड बोलेंगे। डबल पाइप, पाइप मतलब कौन सा, जो एंटर के ऊपर वाली की है उसको आप शिफ्ट के साथ दबाओ तो वो क्या बताएगा, दो पाइप को इंसर्ट करा देगा, ठीक है। एक्सक्लेमेशन नॉट के लिए यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू नॉट इक्वल टू को दर्शाता है, लेकिन इसको ज्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रीफर भी नहीं करेंगे, ठीक है। डबल इक्वल टू को फॉर इक्वल टू के लिए यूज करेंगे, ठीक है। मतलब दो, अगर आपको कोई चीज वैलिडेट करनी है तब आप क्या यूज करोगे, डबल इक्वल टू। अगर आपको कोई चीज की वैल्यू देनी है तब आप क्या यूज करोगे, सिंगल इक्वल टू, ठीक है। कैसा था देखो, यहां पर मैंने ये सिंगल इक्वल टू यूज किया, यहां पर डबल इक्वल टू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर डबल इक्वल टू को क्या यूज करते हैं, अगर कोई चीज को आपको कंपेयर करना है तब आप यूज करते हो डबल इक्वल टू को। फिर मोर देन लेस देन, आपको वैल्यूज पता है, मोर देन और इक्वल टू भी समझ जाओगे और लेस देन और इक्वल टू भी आप समझते हो, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, बस सिर्फ ये सारे सिंबल्स एक बार देख लो, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये मोर देन वाली साइन, लेस देन वाली साइन, मोर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और इसके साथ हमारा इफ स्टेटमेंट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, कि यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट टू कंट्रोल ब्राउजर एंड इवेंट ट्रिगर्ड। अब ये पूरा जो है ना, ये हायरार्की, मतलब ये पूरा का पूरा एक लेट्स से आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर हायरार्की सेट कर देता है कि भैया इसके अंदर ये 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 और इसके साथ ये फंक्शंस एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं आप ये पूरा चीज मैं यहाँ पर पहले क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको पूरी थियरी बता रहा हूँ, फिर मैं इस इमेज पर वापस आऊंगा, ये इमेज पर मैं वापस आऊंगा, ठीक है। और ब्राउजर कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट पार्ट्स और ऑब्जेक्ट दैट कैन बी एक्सेस यूजिंग जावास्क्रिप्ट कॉल्ड एज ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ये लाइन इंपॉर्टेंट रहेगी, एक्सप्लेन्स हायरार्की ऑफ एंटायर ब्राउजर अलोंग विद टूल बार मेनू, मतलब पूरा का पूरा ब्राउजर टॉप टू बॉटम कवर कर लेता है ये ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये कैसे क्रिएट होता है, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द ब्राउजर ओपन्स अ वेब पेज। वेब पेज आपका जैसे ओपन होता है वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक बन जाता है, ठीक है। ओके, टॉप लेवल ऑफ ऑब्जेक्ट इन ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इज कॉल्ड विंडो ऑब्जेक्ट, इट रिप्रेजेंट्स द ब्राउजर विंडो और इंडिविजुअल फ्रेम विद इन द विंडो, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंट्स द ब्राउजर विंडो और इंडिविजुअल फ्रेम, ठीक है। मतलब कोई एक, मतलब आपका वेब पेज जब क्रिएट हो गया ना, वो चीज को पूरा का पूरा टॉप टू बॉटम, पूरे ब्राउजर को टॉप टू बॉटम कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। इट्स अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट एंड इट कंटेन्स ऑल द अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल विद इट। अब ये दो लाइन है ना, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहां पर कंफ्यूज होने के चांसेस रहेंगे। मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, कौन सा विंडो ऑब्जेक्ट, कंट्रोल्स अ वेब ब्राउजर विंडो, ये पूरी की पूरी विंडो को कवर कर देता है, ठीक है। मतलब टॉप टू बॉटम टास्क, मतलब ऊपर आपकी जो यूआरएल है वहां से लेके, मतलब पूरा का पूरा ब्राउजर की विंडो कवर करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, विंडो ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वेब पेज को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। तो ये देखो डॉक्यूमेंट के अंदर तीन है, लिंक, फॉर्म, एंकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरा मैं आपको वापस आऊंगा, वापस समझाऊंगा, ठीक है। मुझे दो पैराग्राफ यहां पर से कवर कर दें, और वो दो पैराग्राफ का मैंने स्क्वायर स्क्रीनशॉट लेके आपको दिया हुआ है कि वो अपने बुक के कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ते डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब पहला क्या था, टॉप लेवल ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो ऑब्जेक्ट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेब पेज एज डिस्प्लेड इन द ब्राउजर, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द वेब पेज लाइक फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में इसको इंक्लूड किया जाता है। हम लोग देख रहे हैं लिंक, फॉर्म, एंकर, ये सारी चीजें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म, यहाँ पर एग्जाम्पल को बताया जाता है कि फॉर्म ऑब्जेक्ट को, ये फॉर्म एलिमेंट को हम लोग क्रिएट किया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एलिमेंट ऑब्जेक्ट इज यूज टू रेफरेंस फॉर ईच एलिमेंट एज अ फॉर्म, एज फॉर एग्जाम्पल चेकबॉक्स, रेडियो बटन, ठीक है। तो मैं आपको पहले चाहता हूँ वेरिएबल वाले में, मैंने यहाँ पर ये पूरी चीज फिर से लिखी हुई है, देखो क्या बात क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें ये फॉर्म है। फॉर्म मतलब क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, उसके अंदर का कोई और अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी कुछ वैल्यू ले ली, ठीक है। इसको आप फोकस भी करा सकते हो, काफी सारी चीज इसके साथ आप लोग चेंजेस करा सकते हो, ठीक है। ओके,
अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ दिया जाता है, ये जहां पर ये इमेज है ना हमारी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की, उसके बाद ये दो पैराग्राफ लिखे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको पढ़ लो, क्योंकि ये वर्ड टू वर्ड आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, मैंने जैसे बात की ये इमेज के बारे में, मैंने जैसे बताया टॉप लेवल ऑब्जेक्ट क्या होता है, विंडो ऑब्जेक्ट होता है। अब उसके अंदर ये मल्टीपल अलग अलग ऑब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग चीजें रहती है, उसके मेथड एंड प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है, तीन और ऑब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, लोकेशन, ठीक है। तो विंडो डॉट लोकेशन को यूजुअली लोग रीडायरेक्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आपको मैं जस्ट सिर्फ इसको एज एन एग्जाम्पल बताया। अब विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे वेरिएबल में हमने देखा डॉट डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट के अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स है, लिंक, फॉर्म, एंकर। फॉर्म के अंदर मल्टीपल अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, रेडियो बटन है, पासवर्ड है, टेक्स्ट है, इसके एलिमेंट्स है अंदर के, ठीक है। तो ये सीन है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। अगर ये ना समझ आए तो मैं बात करूं, मैं आपको बोलूंगा कि एक बार वीडियो पूरा फिर से रिवाइंड करके ये पूरा चीज कवर कर लो, ठीक है। लेकिन मैं बताता हूं कि ये दो पैराग्राफ इंपॉर्टेंट इसमें रहेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फोकस मेथड की तरफ, जहां पर हम लोग बात करेंगे कि कैसे फोकस को यूज करें। फोकस क्या होता है जनरली, मतलब कोई आपका जो कर्सर है ना, वो किसी एलिमेंट की इनपुट, लेट से आपने इनपुट टैग लगाया, यूजर ने उसको नहीं भरा, तो आपने क्या बोला कि यूजर को कि भैया ये एलिमेंट, ये फील्ड आपने इनकम्प्लीट छोड़ा है, खाली छोड़ा है। तो अब आप क्या करोगे, उसको बताओगे कि भैया यहाँ पर डालो, तो वहां पर आपने क्या कर दिया, कर्सर को ऐड कर दिया। इट पुट्स द कर्सर इनसाइड द एलिमेंट्स एंड हाईलाइट्स द एलिमेंट। ये हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब मैं आपको एग्जाम्पल करके बताऊंगा, तब आप समझ जाओगे, ठीक है। और एक लास्ट मिल रहा है हमें, इज एन ए एन, और अंदर जाएगा एक वैल्यू, ठीक है। और ये फंक्शन रहेगा, ये क्या है, तो इज नन, नन को एक अगर इसको इलेबोरेट करें ना, एन ए एन को, तो ये बोला जाता है नॉट अ नंबर। ये फुल फॉर्म आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आएगा एक्सरसाइज में। यूज टू वेरीफाई इफ द वैल्यू इज अ नंबर और नॉट, एंड इट रिटर्न्स अ बुलियन वैल्यू। ये बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है ट्रू इफ इट्स नॉट अ न्यूमेरिक, नॉट अ नंबर, नंबर है या नहीं है। लेट से आपने नंबर डाल दिया है, बुक का एग्जाम्पल लेते हैं, 456, 456 नंबर है, यस, तो ये नंबर नहीं है, वो क्या हो गया, गलत, डबल गलत क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो नॉट एन इट रिटर्न, यहां पर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ट्रू इफ इट्स नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड फॉल्स इफ्स अ न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, तो यहां पर कंप्लीट होता है जावास्क्रिप्ट के थियरी का पार्ट। इसके बाद हम कवर करेंगे पूरा प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल हमारे पास है, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया है, मैंने यहां पर ऐड किया हुआ है जावास्क्रिप्ट को हमें क्या क्या लगाना है, ठीक है, फंक्शनलिटी को ऐड किया हुआ है, और उसके बाद जो जो हमें फील्ड लगेंगे वो ऐड किया हुआ है, ठीक है, ओके। और मैं आपके सामने पूरी चीजें लिखूंगा, ठीक है, उसकी दिक्कत की बात नहीं है, ओके। यहां पर देखो मैंने एग्जाम्पल 2.2 ले लिया है, यहां पर ये हमारा इंटेक्स एग्जाम्पल ही है, दोनों इंटेक्स एग्जाम्पल ही है, ठीक है, ओके। तो ये पूरा का पूरा एक जावा, यहाँ पर हमारा पूरा कंपोजर है, ठीक है, मतलब इसमें कंपोजर से भी बना सकते हो, नॉर्मल टाइपिंग से भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, ये वाला जो फॉर्म है उसका मैं पूरा का पूरा मैं आपको टाइप करके बताऊंगा, जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में किया था, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो मैंने किया था सबलाइन टेक्स्ट में, बस सबलाइन टेक्स्ट को मैं यूज करूंगा यहाँ पर, ठीक है, इसकी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाले में हम जाएंगे कंपोजर में, जहां पर मैं दिखाऊंगा जावास्क्रिप्ट और सीएसएस दोनों को ऐड करके, ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा फंक्शनलिंग वेब पेज बनाएंगे, जहां पर पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल रहेगा, जहां पर हम लोग नेम एंड पिन कोड के बारे में बात करेंगे, मैंने इसको स्क्रीनशॉट करके इमेज ले लिया है, ठीक है, तो इसकी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट वाले में मैंने जैसे बताया कि पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बनाया था, बस तो उसको हम लोग कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक है। फंक्शनलिटी क्या रहेगी, शो एन अलर्ट एंड फोकस ऑन द फील्ड इफ एनी फील्ड इज लेफ्ट एम्प्टी और नॉट एज सिलेक्टेड बाय द यूजर। तो इसके साथ यहां पर हमारा थियरी का पार्ट कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं आगे प्रैक्टिकल की तरफ, ठीक है। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट की तरफ, जहां पर हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के दो प्रोजेक्ट के बारे में। एक में सिर्फ मैं जावास्क्रिप्ट ऐड करूंगा, दूसरे में हम ऐड करेंगे HTML, CSS, JavaScript। HTML वाला पार्ट मैं आगे से कॉपी कर लूंगा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर मैंने जैसे फॉर्म बनाया था वो, जो इसीलिए मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि फर्स्ट चैप्टर का एटलीस्ट फॉर्म बना लेना, ठीक है, तो वो मैं वहां से लूंगा।
बाकी चीज मैं आपको यहाँ पर मैं जावास्क्रिप्ट और सीएसएस आपके सामने ऐड करूंगा उसमें, ठीक है। ओके तो ये सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम लोग सिर्फ जावास्क्रिप्ट ऐड करेंगे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऐड करना है फॉर्म में जिसमें दो फील्ड डालने, नेम एंड पिन कोड, और एक सबमिट बटन लगाना है। मतलब यहाँ पर कौन सा इवेंट यूज करेंगे, ऑन सबमिट वाला, ठीक है। फॉर्म को सबमिट करने वक्त क्या 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 लेना है, तो कि एक अलर्ट लगाना है, फोकस देना है, और अगर ये फील्ड एम्प्टी नहीं है या नहीं है, ठीक है, तो वो अगर एम्प्टी होता है तब हमें अलर्ट और फोकस देना है। अगर पिन कोड नंबर नहीं है, इज नन, याद आया, इज नन, तो बस वहां पर आपको अलर्ट एंड फोकस देना है। और पिन कोड में नॉर्मली 6 डिजिट होते हैं, ठीक है, तो अगर ये 6 डिजिट में नहीं है या तो 6 से ज्यादा या 6 से कम है, तो वहां पर आपको अलर्ट देना है, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। अलर्ट मतलब क्या होता है, एक वैसे पॉपअप होता है ऊपर से नीचे, जैसे मैं आपको हम लोग करेंगे ना इसको, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सीधा सबलाइम टेक्स्ट में। सबलाइम टेक्स्ट क्या होता है, एक आईडी है, मैंने जैसे बात की है, ठीक है, तो वो आईडी क्या करता है, वो अभी के लिए मैं आपको रीडेबिलिटी के लिए मैं सबलाइम टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ, चाहो तो नोटपैड भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ओके बढ़ते हैं यहाँ पर सबलाइम टेक्स्ट में, स्टार्ट करते हैं हमारा एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। मैंने एक ऑलरेडी फाइल बना के रखी है एग्जाम्पल 2, जहां पर ये मेरा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, वहां पर मैंने बना के रखी हुई है। मैं आपको ले चलता हूँ उस फोल्डर में, ठीक है। तो आ जाते हैं ये फोल्डर में, ये है एग्जाम्पल 2.html, इसको ओपन किया, अभी ये पूरी की पूरी ब्लैंक है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है इसमें, मैं पूरा आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। टाइटल ऐड करेंगे, टाइटल में लिखेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट 1, ठीक है, और स्लैश टाइटल करके बंद कर देंगे, और हेड को बंद कर देंगे, बॉडी को ओपन करेंगे, बॉडी में लिख देंगे सबसे पहले टेबल, ठीक है, और एक एंटर करके यहाँ पर स्लैश टेबल करके बॉडी को क्लोज करके एचटीएमएल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते टेबल के अंदर, मुझे टेबल में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ी बहुत अलाइनमेंट में आसानी रहती है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं टीआर, फर्स्ट रो ले लेते, ठीक है, टीडी लिखते हैं, ठीक है। कॉलम नंबर 1 में क्या जाएगा, नेम जाएगा, लेबल जो भी हमारा लगाना है। इसमें मैं विड्थ ले लेता हूँ, विड्थ ले ली मैंने, इसमें ले लेते 20% ऑफ द विंडो, ठीक है। स्लैश टीडी किया, टीडी लिखा, नेक्स्ट में सीधा इनपुट लगा दे, यहाँ पर मैं वो नहीं लगा रहा हूँ, सॉरी कुछ भी आ गया, इनपुट लगाया मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पर वो एनबीएसपी वाला नहीं कर रहा हूँ, एनबीएसपी क्या था, नॉन ब्रेकेबल स्पेस वाला था, ठीक है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, नॉन ब्रेकेबल स्पेस, जो भी बोलो, ठीक है। तो वही चीज मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उतना शौक है नहीं, ठीक है। टाइप लिखेंगे, टाइप नाम है तो क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, और नेम इक्वल टू क्या लिखेंगे, नेम ही लिखेंगे, ठीक है, नेम करके लिखेंगे। स्लैश इनपुट करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, और टीडी को, सॉरी टीआर को यहां पर बंद कर देंगे। यहां पर जाके इसको रिफ्रेश करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके अब यहां पर एक चीज मैं करना भूल गया हूं, जो होता है फॉर्म का इनिशिएशन, फॉर्म का इनिशिएशन करना हम भूल चुके हैं, तो इसको पहले कर देते इनिशिएट, और यहां पर इसको कर देते टर्मिनेट, बंद कर देते, ठीक है। नेम लिखेंगे, फॉर्म का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आगे जाके जावास्क्रिप्ट में प्रोसेसिंग करना है, यहाँ पर ये नेम एट्रीब्यूट का इंपॉर्टेंस सबसे शुरू होता है, ठीक है। लिखेंगे FRM1 एक्शन इक्वल टू example2.html, ठीक है, यही फाइल पर मुझे वापस लाना है, ठीक है। और मेथड में लिखूंगा, मेथड में लिखूंगा पोस्ट, गेट लिखते चलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, गेट लिखा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते, नेक्स्ट टीआर लगाते, ठीक है। अब यहाँ पर टीडी को इंक्लूड करते, विड्थ डिफाइन हो चुकी है एक बार, तो ज्यादा मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं डाल दूंगा पिन कोड, ठीक है, हमें दो जगह जो फील्ड्स को हमें बनाना है, ठीक है, टीडी लगा देंगे, दूसरे में इनपुट का लिख देंगे, सॉरी फिर एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, इनपुट लिखा, टाइप में यहाँ पर थोड़ा अलग ले रहा हूँ, टेक्स्ट ले सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट भी ले सकते हो, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर नंबर, ठीक है। नंबर के कारण क्या हो जाएगा, ये इज नन वाली चीज निकल जाएगी। दूसरी बात, मैं यहाँ पर टेक्स्ट अभी के लिए ले रहा हूं, मैं आपको नंबर को यूज करके मैं बता दूंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। नेम में लिख दूंगा पिन कोड, ठीक है, मैं पिन कोड का पी छोटा रखते, ठीक है। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू पिन कोड, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर स्लैश टीआर करके ये चीज यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इसको मैं आपको एक बार यहाँ पर जाके बता देता हूँ, ठीक है, ये अपना टेबल बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिनिमम विड्थ ऐसा करके कुछ कंसेप्ट है क्या, नहीं है, ठीक है, ओके, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेट द थिंग्स बी व्हाट एवर, ठीक है। टीआर लिखते, टीडी लिखते, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एनबीएसपी, ठीक है। एनबीएसपी क्यों, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर ना सेकेंड कॉलम में मुझे सबमिट बटन बनाना है, तो टीडी लिखेंगे, इनपुट लिखेंगे, टाइप लिखेंगे सबमिट का, नेम लिख देंगे सबमिट, ठीक है।
वैल्यू भी मैं अभी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये सबमिट बनाते हैं इसको पहले, ठीक है। वैल्यू लिखेंगे सबमिट फॉर्म, सॉरी वैल्यू लिखेंगे सबमिट सबमिट फॉर्म, ठीक है। ये क्यों आ जैसा कर रहा है कीबोर्ड मेरा, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से डाला, ठीक है। ये स्लैश टीडी कर दिया, स्लैश टीआर कर देंगे। यहाँ पर हमारा अब ये फॉर्म तैयार हो चुका है, ठीक है। अब क्या करना रह गया है, याद आया कुछ? यहाँ पर मैं एक इवेंट हैंडलर हमें डालना है, ठीक है। तो ऑन सबमिट लिखेंगे, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करेंगे और लिखेंगे डबल सिंगल, कोई बात नहीं, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक। ये देखो ये इसी को यूज करने का मुझे फायदा यही है कि यहाँ पर ये कलर को अलग अलग कलर से ये डिनोट करता है, ठीक है। ये चीज हम लोग पहले बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करके आपको बताता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया कंसोल, मैं जैसे ही सबमिट फॉर्म पर क्लिक करूंगा ये मुझे यहाँ पर एक एरर देगा, और एरर तुरंत चला इसलिए जा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर ये एक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एक्शन को अगर लेट से मैं यहाँ पर रिमूव करता हूँ तो शायद ये रह जाना चाहिए एरर को, ठीक है, कोई नहीं। छोड़, एरर क्या आ रहा है, ये एरर ये बता रहा है कि ये वैलिडेट फॉर्म करके तो कोई फंक्शन है ही नहीं। अब यहाँ पर आएगा जावास्क्रिप्ट की बारी, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। तो चलते जावास्क्रिप्ट की तरफ, लिखेंगे स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे, ये जाने तो ये चीज का इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, इसको मैं आपके सामने ही हटा देता हूँ। ये चीज ये बाय डिफॉल्ट स्क्रिप्ट को ना ये जावास्क्रिप्ट की तरह ही ट्रीट करता है, ठीक है। स्क्रिप्ट के जैसे ही आप ओपन करते हो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की बात होती है, ओके। तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस था फंक्शन का बनाना, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जहां पर हम लोग ये सारी चीजें, ये कौन सी चीजें, वैलिडेशन लगाएंगे जब जहां पर एम्प्टी इज नन और एक्जेक्टली सिक्स डिजिट, ये तीन चीजों का चीज हम लोग ये वैलिडेशन लगाएंगे, बस यही चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे फंक्शन कीवर्ड से फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन का नाम मैं इस ये ब्रैकेट के साथ कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया यहां पर। ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि फंक्शन का सारी चीज क्या होती है कर्ली ब्रैकेट के अंदर होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वेर नेम, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, वेर कीवर्ड को यूज करके, इक्वल टू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को मैंने एक्सेस किया, फिर यहां पर मैंने क्या एक्सेस किया, यहां पर मैं FRM1 लिखूंगा, ठीक है, इसका ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया, इसके अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करूंगा नेम एलिमेंट को, और उसके क्या लेना है मुझे वैल्यू एट्रीब्यूट लेनी है, ठीक है, बस सीधी सी बात है। और वेर पिन कोड, वेर पीसी लिखो पिन कोड के लिए, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट FRM1 और उसका ऑब्जेक्ट, उसके अंदर नीचे ऑब्जेक्ट सॉरी FRM1 डॉट पिन कोड डॉट वैल्यू, ठीक है। तो यहां तक मैं आ चुका हूं, ओके ओके। मैं एक बार ना मैं आपको थोड़ा बहुत यहां पर अब नई थोड़ा सा अलग चीज बताना चाहूंगा, console.log करके मैं ये दोनों वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहता हूं, नेम और नेम एंड पीसी, ये दोनों चीज को मैं यहां पर प्रिंट कराना चाहता हूं, चाहते हैं यहां पर, और लिखते हैं 1 2 और यहां पर लिखते हैं SATO, ठीक है। ये चीज पता नहीं आज क्यों ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक है, यहां पर आना चाहिए console.log करके, ठीक है। खैर तो ये क्या करता है console.log, ये जो डॉक्यूमेंट के वैल्यूज है ना यहां पर ये उसको दिखा देता है, मतलब यहां पर ये प्रिंट कराता है मेन। तो console.log अगर मैं यहां पर लिखूं ना console.log करके, मैंने यहां पर कुछ भी वैल्यू देनी है, लेट से हेलो, मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं यहां पर हेलो, ठीक है, और यहां पर इसको बंद करके, तो ये देखो हेलो करके यहां पर ये कुछ भी प्रिंट करा सकता है, ठीक है, इसका बेसिक यूज यही है, ओके ओके। तो इसको मैं अभी के लिए हटा दे रहा हूं, बढ़ते हैं आगे। इसमें अब हम लोग डालेंगे वैलिडेशन, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जैसे जैसे हमारा ये डॉक्यूमेंट का इनपुट का ऑर्डर रहेगा, मैं वैसे ही टेक्स्ट मैं वैसे इसका वैलिडेशन का भी ऑर्डर रखूंगा। इफ स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे, एक नॉर्मल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, यहां पर लिखेंगे नेम इज इक्वल टू नल, नल मतलब क्या, कुछ भी नहीं भरा, ब्लैंक, ठीक है, फिर वो दो पाइप लगाएंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं, वर्चुअल कीबोर्ड जरा ओपन करता हूं, ठीक है, यहां पर ये देखो ये पाइप होता है, ये जो ऊपर वाला है शिफ्ट करके ये देखो मुझे यहां पर पाइप मिल चुका है, ये नॉर्मल कीबोर्ड में जो बड़ा नॉर्मल सा कीबोर्ड आता है वहां पर एंटर की के ऊपर होता है, ठीक है, यहां पर ये यहां पर है,
बैक स्लैश के ऊपर ऊपर ये यूजुअली होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये साइन आपको बता दिया मैंने, इफ नेम इज डबल इक्वल टू नल और नेम इज डबल इक्वल टू अ ब्लैंक लिस्ट। देखो मैंने पहले क्या किया, नेम इक्वल टू नल, नेम की अगर मैंने कुछ वैल्यू देनी है तो सिंगल इक्वल टू, अगर उसको कंपेयर करना है तो डबल इक्वल टू। यहां पर फिर से ओपन करेंगे कर्ली ब्रैकेट को, ठीक है, लिखेंगे एलर्ट। एलर्ट क्या था, एक जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन था, एक इनबिल्ट फंक्शन था। एलर्ट करके मैं बताऊंगा प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क और यहां पर सेमी कॉलन। मैं पढ़ने, ये सेमी कॉलन क्या था फिर से बताता हूं, ऑप्शनल था, पढ़ने के लिए यहां पर ये यूजुअली ऐड किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा, फोकस मेथड यूज करेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, एफ आर एम वन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे, एफ आर एम वन एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, यहां पर नेम ऑब्जेक्ट नेम को एक्सेस करेंगे, नेम एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और मैं लिखूंगा फोकस मेथड, ठीक है, रिटर्न फॉल्स, रिटर्न करके लिख देंगे फॉल्स, ठीक है। फॉल्स को हम लोग छोटे में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, पाइथन में इसको एफ को कैपिटल लिखते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, ठीक है। लिखते मैं नेम को कुछ भी लिखे बिना सबमिट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर अलर्ट आ चुका है, मैंने जैसे बताया कि ये अलर्ट आता है, प्लीज एंटर योर नेम को किया मैंने, ओके कर दिया। अब यहाँ पर लेट से मैंने नाम लिख दिया देवांश, ठीक है, मेरा अपना नाम लिख दिया, सबमिट किया, मुझे कोई अलर्ट नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पर नेम इक्वल टू देवांश को ट्रू ले लिया, ठीक है, ओके। नल मैं आपको बता देता हूँ, देखो फिर से सबमिट फॉर्म करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर लेट से ये नेम इक्वल टू हटा देना तो ये यहाँ पर ये ब्लैंक चीज आ जाती है ना, जब ब्लैंक इक्वल टू और ब्लैंक होता है उसको नल बोला जाता है। देखो ये देखो पिन कोड यहाँ पर अभी भी ब्लैंक है, जो इसको बोला जाता है नल, ठीक है, ओके, ठीक है, फाइन, इसको इसको हटा देते हैं, ये ट्वेल्व को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, हमें चाहिए नहीं कुछ भी इनकम्प्लीट पढ़ने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में ले रहा हूं इफ, इफ स्टेटमेंट मैंने बना दिया, यहां पर मैंने किया पीसी इक्वल टू नल और पीसी इक्वल टू ब्लैंक और पीसी डॉट लेंथ, लेंथ एक क्या रहता है, एक एट्रीब्यूट रहता है लेंथ करके, मोर देन सिक्स, क्योंकि हम लोग ना ये क्यों, ये इसमें दिक्कत क्या है, ये दोनों चीज आप एक साथ नहीं ले सकते हो, तो और करके आपको दो इसको आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, पीसी डॉट लेंथ इज लेस देन सिक्स, तो क्या करना है, अलर्ट डालो, अलर्ट डालो प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, प्रॉपरली एक्सक्लेमेशन करके इसको एंड कर सकते हो, ठीक है, यहां पर डाल दोगे सेमी कॉलर, लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन, अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया फोकस वाला, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं पिन कोड डॉट फोकस, और यहां पर मैंने मेथड बना दिया, लिख देंगे रिटर्न फॉल्स। ये रिटर्न फॉल्स क्या करता है, ये बेसिकली ये पूरे के पूरे फंक्शन को यहां पर ये लूप को टर्मिनेट कर देता है, फंक्शन को एंड कर देता है, ठीक है। मैं आपको पहले नेम को बिना भरे आपको बताता हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या, अनकट सिंटेक्स एरर इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन असाइनमेंट, ओके, जब भी आपको ये चीज आए ना तो क्या करो यहां पर क्लिक कर दो, यहां पर हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, अच्छा ओके, यहां पर देखो ये मैंने गड़बड़ किया, दिख रहा है क्या गड़बड़ किया, मैंने यहां पर क्या किया, दो चीजों को कंपेयर किया, तो कंपेरिजन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डबल इक्वल टू, ये मैंने सिंगल इक्वल टू डाला था, है ना, तो कंट्रोल आर करेंगे, अब यहां पर से ये एरर निकल जाएगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, यहां पर मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, आप देख रहे हो, ठीक है, सबमिट फॉर्म किया, ये मुझे अलर्ट आ गया, ओके किया, अपने आप देखो यहां पर कर्सर आ चुका है, फोकस चीज यही चीज करती है, ठीक है, ये चीज को इग्नोर आप कर सकते हो, मैं यहां पर इसको क्लियर कर देता हूं, ठीक है, फोकस चीज यही करती है कि अपने आप कर्सर को जहां पर हमारा बाकी है वहां पर ये डालते हैं, ओके। अब मैंने क्या किया, मैंने इधर डाल दिया अपना नाम, ठीक है, अब मैं कर देता हूं सबमिट फॉर्म, मुझे क्या आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए पिन कोड ठीक से भरो, ठीक है, सबमिट फॉर्म किया, बोल दिया मुझे पिन कोड ठीक से भरो, जो चीज मुझे चाहिए थी, ओके, ठीक है, पिन कोड पर आ गया, फोकस आ गया, ठीक है, सीधी सी बात है, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ भी रैंडम सा नंबर डाल दूंगा, वन टू कुछ भी रैंडम सा डाल दिया, ठीक है, सिक्स डिजिट होना जरूरी है, ठीक है, यहां पर मैं फिर से नाम अपना डाल देता हूं, इसको मैंने कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, तीन डिजिट भर के छोड़ूंगा, तो मुझे फिर से आना चाहिए कि प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, ओके। अब ये मैं क्या करूंगा, यहां पर बहुत सारे डिजिट डाल दूंगा, छह से ज्यादा ऑफकोर्स, तो यहां पर फिर से बोला प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, और यहां पर सबमिट फॉर्म हो चुका है, रिफ्रेश करेंगे यहां पर। अब मैं इसको थोड़ा एडवांस करना चाहता हूं, मुझे यूजर को बताना है कि आपने क्या गलती की है, तो अब मैं क्या करूंगा, ये चीज जो है ना
मैं इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल एक्स कर दूंगा, यहां से कट कर दूंगा। प्लीज एंटर पिन कोड और लिख दूंगा मैं इट कैंट बी ब्लैंक। ओके इंग्लिश वाले जरा मुझे माफ करिए, मैंने पहली बार में नहीं किया। ओके नेक्स्ट स्टेटमेंट हम डालते इफ का, इफ पीसी। अच्छा इसमें तो हमारे पास कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कर दिया ना, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इफ पीसी डॉट लेंथ, अब इसका हैंडलर डालेंगे, इसमें क्या हमें फॉलो कराना है, अलर्ट। अलर्ट क्या देना है, प्लीज एंटर पिन कोड इज ऑफ, प्लीज एंटर 6 डिजिट इन पिन कोड, ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं। प्लीज एंटर 6 डिजिट्स ओनली इन पिन कोड, ठीक है, ऐसे करके हम लोग यहां पर डाल देते हैं। लिखेंगे यही चीज, यही इसको इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं यहां पर पेस्ट, ठीक है। ओके तो अब हम लोग चेक कर लेते एक बार कि कुछ रह नहीं रहा ना क्या। तो बात की जा रही है फोकस पहले लेफ्ट एम्प्टी की नहीं हो रहा, ठीक है, हमने नल और वो लाल दिया, ठीक है, यहाँ पर है ना, कहाँ गया, ये नल की बात हो चुकी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये एडेड इज नॉट अ नंबर, ये रह गया, ठीक है, और ये एग्जैक्टली सिक्स डिजिट वाला हो चुका है, ठीक है। तो नॉट अ नंबर वाला मैं आपको समझा देता हूँ इस नाइन को कैसे यूज करना है। ये जो स्ट्रिंग हमने डाला है ना, इसकी जगह हमें ये चीज को अप्लाई करना पड़ेगा। इज नैन करके लिख देंगे, अंदर डाल देंगे पीसी को, ठीक है। प्लीज एंटर पिन कोड, यहाँ पर इट कैंट बी ब्लैंक को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर चीज अब बदल चुकी है, ठीक है। ओके तो अब यहाँ पर चलते रिफ्रेश करते, नाम दे देते हैं, अपना नाम दे दिया यहाँ पर, सेव किया है। ये इज नैन पीसी को ये फॉलो क्यों नहीं कर रहा है वो मुझे डाउट है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको दो तीन बार और रिफ्रेश करते, लिखते हैं नाम अपना और ये डालते। ओके प्लीज एंटर योर पिन कोड को, ठीक है, एंटर कर, प्लीज एंटर पिन कोड प्रॉपरली, ठीक है। और यहां पर मुझे देनी चाहिए एक ब्लैंक स्ट्रिंग मुझे देनी चाहिए, अब मैं चेक करता हूं क्योंकि ये नल को पता नहीं है क्यों फॉलो नहीं कर पा रहा है। देर मैंने लिख दिया प्लीज एंटर पिन कोड, ये मैंने बात हो गई इज नैन के बारे में, ठीक है, इसको हटा दिया, सबमिट किया, कुछ आना तो चाहिए, रुको, ये मैंने डाला, ये ब्लैंक छोड़ा, ये नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पर डाल दूंगा, अच्छा डबल इक्वल टू नल डालना पड़ेगा ना, कंपेयर करना है, डबल इक्वल टू अ ब्लैंक लिस्ट, ये मैंने डाल दिया, ओके ठीक है, प्लीज एंटर पिन कोड, ठीक है, हो गया। अब मैं आपको यहां पर क्या हुआ, इस नैन की बात में, इस नैन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। ये इस नैन क्या हुआ, पहले मैंने क्या किया, लेट्स अभी यहां पर मैं कुछ नंबर डाल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नंबर डाल दिया, ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया क्योंकि सारी की सारी चीजें यहां पर वैलिड हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने गेट लगाया, गेट क्या है, यूआरएल के एंड पर पूरा का पूरा ऐसे करके भर देता है ना। ओके अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, इस नैन के बारे में बात कर रहा हूं, लिखूंगा मैं कंसोल में यही सेम चीज इस नैन करके लिखा, और मैंने लेट से दे दिया 1 2 3 4 5 6, जो मैंने पहले दिया था कहां पर, जो मैंने फाइनल जब मैंने लास्ट में आपको बताया ना कि पूरा का पूरा फॉर्म जैसे सबमिट हो गया, ठीक है। तो इस नैन का वैल्यू क्या दे दिया इसने, फॉल्स बता दिया, ठीक है। फिर से मैं लिखूंगा इस नैन करके, अब यहां पर क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख दूंगा, तो फिर से ये फॉल्स ही बता रहा है क्योंकि यहां पर फिर से ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। ओके बहुत बढ़िया, तो मैं अब यहां पर क्या लिख दूंगा, एसडीएफ, ठीक है। अब फिर से यह क्या आ गया, नॉट अ नंबर टू, मतलब ये नंबर नहीं है, यहां पर ये नंबर नहीं है, वो नहीं है, मतलब वो नंबर है, सीधी सी बात, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस नैन के बारे में। तो इसके साथ हमारा ये पहला एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.3 की तरफ। अब इसी एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला था कि चैप्टर नंबर 1 का जो हमने फॉर्म बनाया था वो हमें यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग द जावास्क्रिप्ट इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म मेड बिफोर एंड एड द स्क्रिप्ट इन द कंपोजर, ठीक है। कंपोजर में ऐड करेंगे पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट को, ठीक है, आपके सामने मैं ऐड करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी फील्ड्स थे मैंने वो लिख दिए। फंक्शनलिटी क्या है कि सबमिट करने पर एक अगर कुछ भी जगह खाली रह जाती है तो वो हमें यूजर को बताने कि नहीं आपकी जगह ये खाली हो गई है। चलते हैं हम लोग फाइल, अपने इस फाइल को थोड़ा कॉपी पेस्ट लगाते हैं, ठीक है, चलते हैं डेस्कटॉप पर, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं चैप्टर नंबर 1 में चलते हैं। यहाँ पर मैंने कंपोजर फाइल को कॉपी किया, इसको पहले ये एड्रेस को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। आगे जाते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जहां पर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं इसमें
ये फाइल को कॉपी कर दूंगा, कंट्रोल सी करके यहां पर कर दी कंट्रोल वी आइकन, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसी के साथ ये फाइल यहां पर आ चुकी है। ओके, यहां पर ये मैंने जैसे इसको हम लोग ओपन करते हैं क्रोम में, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार दिख भी रही है। ओके, ये देखो ये है, ठीक है। ओके, यहां पर मैं इसको नाम देता हूँ एग्जाम्पल 3.html, ठीक है, और इसको मैं यहां पर यहां से इसको बंद कर दूंगा क्योंकि अब यह एरर बताएगा कि ऐसी कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई बात नहीं, अब आ गए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 में। मैं चलता हूं सीधा कंपोजर में, ठीक है, कंपोजर में यहां पर ये फाइल को मैं ओपन करता हूं, इसको बंद करो, फाइल में जाओ, ओपन फाइल करो, यहां पर एग्जाम्पल 3 ओपन, खत्म। ओके, ये सीन है यहां पर, इस चीज को यहां पर ना थोड़ा दिक्कत आ रहा है, ये चीज को मैं थोड़ा एक्सपांड कर रहा हूं, ये लाइंस को एक्सपांड नहीं कर सकते, क्या क्या प्रॉब्लम है इसके जीवन में, ठीक है, कोई नहीं। अब ये देखो यहां पर इसके मैं पहले सबसे पहले जा रहा हूं सोर्स में, ठीक है, सोर्स में देख रहे हैं, सोर्स में ये पूरा का पूरा हमारा सोर्स कोड है ऑफकोर्स, ठीक है, एचटीएमएल का पूरा कोड है। अब मुझे यहां पर क्या क्या चीजें नहीं करनी है, मुझे क्या क्या चीजें यहां से निकालनी है, मुझे ये जो चेक्ड बाय डिफॉल्ट हो रहा है ना, मुझे वो निकालना है, क्योंकि क्या करना है, जो भी चीज हमें एम्प्टी है उसको बताना है, ठीक है, यूजर को बताना है, ठीक है। तो यहां पर ना आप सर्च करोगे ये सारे जो इनपुट के टैग है, एक रहेगा रेडियो में, एक रहेगा सिंगिंग पर, और एक रहेगा ये जो ड्रॉप डाउन यहां पर बन रहा है वो, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन वाले को यहां से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन वाले को सिलेक्टेड वाला निकाल दिया, ये सिलेक्टेड और चेक हमें यहां से निकालना है। ओके, ये एड्रेस का तो कुछ नहीं है जरूरत, ये स्पैन बीआर, ये देखो यहां पर आना चाहिए, रेडियो बटन वाला होगा, ये देखो चेक्ड, सॉरी इसका ये निकाल दिया हमने, ठीक है। ये नेम की जगह आप लोग यहां पर ना जब आए हो क्यों, तो यहां पर आप लोग कर दो कॉपी, ठीक है, क्योंकि ये हमें अब एक सिंगल इसकी तरह हमें चाहिए, एक सिंगल क्या कहते हैं, एक सिंगल ग्रुप की तरह हमें चाहिए कि जिसके कारण हम लोग इसको ठीक से एक्सेस कर पाए, ठीक है। आ गए वापस, ये देखो अब यहां पर ये तीनों तीन चेकबॉक्स भी सिलेक्ट हो रहे हैं, और यहां पर ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोग वैलिडेशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिसेबल्ड को भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर ही आएगा, प्लीज सिलेक्ट सिटी, इसको हम लोग डिसेबल करें ना करें अब यहाँ पर से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग जावास्क्रिप्ट में इसका कोड डालेंगे ना, इसके बाद ये इस चीज को तो सिलेक्ट कर ही नहीं पाएगा कोई भी इंसान, ठीक है। आगे इसका ये चेक वाला भी निकाल देते, कहा गया रेडियो बटन दिख रहा है, रेडियो ये रहा फीमेल, और ये इनपुट चेक इक्वल टू चेक, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये आ गए हम लोग वापस। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले यहां पर ये देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर हम लोग ऐड करेंगे सीएसएस को, ठीक है, जाते यहां पर हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर देते हैं, अब ये काफी बड़ा हो चुका है, ठीक है, देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, सोर्स में जाएंगे, सोर्स में जाके यहां पर देखो कहीं पर दिखेगा आपको, ये देखो कहां गया, ये अपना इसका हेडिंग दिखना चाहिए, तो इसका हेडिंग कहां पर, ये देखो रजिस्ट्रेशन, इसके आगे ये देख रहे हो बिग 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 बिग, ठीक है। तो ये चारों के चारों हम लोग रिमूव कर देंगे यहां से, और ये चार को भी हम लोग यहां से रिमूव कर देंगे। अब ये देखो नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में आ चुका है, H1 टैग की तरह, ठीक है, तो ये इस तरह से हमें मिल चुका है। ओके, अब यहां पर ना नीचे हमने थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लाइन ऐड की थी, वो हम लोग रिमूव कर देंगे। अब यहां पर मुझे ये देखो, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये फॉर्म के बाहर आ जाएगी, क्या हुआ, फर्स्ट नेम का एफ आई क्यों निकल गया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े शहरों में से छोटी मोटी बातें होती रहती है ना। ओके, इसको थोड़ा लंबा करते, इसको थोड़ा छोटा करते, ये इसको थोड़ा इंक्रीज करते, साइज को, ठीक है, इसको इंक्रीज किया, अच्छा इसमें ये यहां तक अटक गया ना, यहां पर अटक, ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पर ना मुझे क्या चाहिए, एक चीज मुझे यहाँ पर अब थोड़ी सी एडिट करनी है, जो मुझे यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर मैं ना ये इसको तो मिडल रखो, इसको सेंटर कर देते, अप्लाई करते, ठीक है, ओके ठीक है, हर एक को करना पड़ेगा क्या, अप्लाई, ओके, टेबल में आता है कुछ सब, टेबल में जाएंगे, टेबल अलाइनमेंट का तो कुछ मतलब है नहीं, यहां से करना पड़ेगा सेंटर, अप्लाई, ओके, ये हर एक में अपने को करना पड़ेगा, मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कि जिससे हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, एक में और कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा ठीक है, बस इससे ज्यादा मैं अब नहीं कर रहा हूँ इसमें। ओके, बढ़ते हैं आगे सीएसएस को ऐड करने के लिए, यहां पर चलते हैं, देखो हमने यहां पर कौन सा टैग दे दिया, H1 टैग दे दिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं, बस इतना बड़ा मुझे चलेगा,
इसके आगे अगर जो भी मुझे करना है वो मैं करूंगा सीएसएस से। सीएसएस में हम लोग सबसे पहले ही करेंगे सिलेक्ट स्टाइल अप्लाई टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे क्या H1, H1 यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्रिएट स्टाइल रूल करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पर मैं कोई कुछ भी टेक्स्ट ले रहा हूँ, लेट्स से ये कुछ अच्छा थोड़ा अच्छा दिखे और हर एक उसमें हमें मिल पाए, हर एक ब्राउजर में हमें मिल पाए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ एरियल ब्लैक, ये नॉर्मली हर एक टेक्स्ट में हर एक ब्राउजर में सपोर्ट कर देगा। फॉन्ट साइज की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत बड़ा कर दिया, लाइन हाइट की जरूरत नहीं है। कलर मुझे ऑफकोर्स करना है रेड कर रहा है, ठीक है, ये हमने पिछले वाले में भी सिलेक्ट किया था और अच्छा दिख रहा था। फॉन्ट वेट मुझे चाहिए बोल्डर, बोल्डर का कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं अपर केस कर दूंगा। यहाँ पर मुझे इटैलिक चाहिए, अलाइनमेंट सेंटर में, सॉरी अलाइनमेंट मुझे सेंटर में चाहिए। अंडरलाइन करना है, ब्लिंकिंग कराना है नहीं कराना है, ठीक है चलेगा। इसको बैकग्राउंड में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर मैं ऑप्ट करूंगा ब्लैक को, ठीक है, प्योर ब्लैक को मैं ऑप्ट करूंगा। आगे बढ़ते बॉर्डर्स ले लेते, कुछ भी ले लेते, सॉलिड ले लेते, ठीक है, ओके। बॉक्स और बाकी सबकी चीजें हमें जरूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर ये देखो मुझे एक अच्छा खासा फॉर्म का टाइप यहाँ पर हेडिंग मिल चुका है। जाएंगे वापस अपने ब्राउजर में और इसको रिफ्रेश करेंगे, ये हमें आ चुका है, ठीक है, ओके। अब इनको इनको ना यार मुझे लेफ्ट में रखना है, छोड़ो यार, हॉरिजॉन्टल में, जस्ट मुझे 2 मिनट दे दो, ठीक है, मैं इसको फटाफट कर देता हूँ, ठीक है। इसको लेफ्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया, इसको लेफ्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया, क्यों नहीं हुआ, इसको लेफ्ट किया, अप लेफ्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया, और इधर भी लेफ्ट किया, अप्लाई किया, ओके किया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर ये वापस एक नॉर्मल सा आ चुका है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इसको थोड़ा छोटा कर सकता, इसको थोड़ा छोटा करता है ना, ओके। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो इस ये जो इन टेबल के बाहर में ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अराउंड में क्लिक करूंगा, ठीक है, डबल क्लिक ट्रिपल क्लिक से हो जाता है, जहां पर ये हमें एक एडवांस प्रॉपर्टी एडिटर मुझे मिल चुका है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, जावास्क्रिप्ट एलिमेंट्स में, जावास्क्रिप्ट इवेंट में जाऊंगा और यहां पर से मैं सिलेक्ट कर दूंगा ऑन सबमिट। ये ऑन सबमिट नहीं हुआ क्योंकि यहां पर ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है, मुझे यहां पर से सिलेक्ट, अच्छा ओके, मुझे यहां पर से सिलेक्ट करना है फॉर्म के लिए, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर मैं गया, ये देखो फॉर्म प्रॉपर्टीज करके डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। मैं जाऊंगा एडवांस एडिट में, जहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा जावास्क्रिप्ट इवेंट, जहां पर एट्रीब्यूट ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होकर आता है ऑन सबमिट। वैल्यू में दे दूंगा रिटर्न वैलिडेट, ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर नहीं, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। यहां पर अब यहां पर ना आप जा सकते हो सोर्स में, यहां पर आप जाओगे फॉर्म के टैग के पास, ठीक है, ये देखो सीएसएस का अपने आप ऐड हो चुका है, ठीक है। फॉर्म के टैग के पास आप जाओगे, इसमें थोड़ा एंटर कर दूंगा आपको दिख सके कि क्या हो रहा है। फॉर्म के टैग के पास आपको यहां पर दिख रहा है, देखो रिटर्न वैलिडेट, ओके। तो इसी के साथ हमारा सीएसएस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जहां पर हमने यहाँ पर ये डाल दिया। एचटीएमएल तो हमने कर ही दिया, ठीक है, ये फॉर्म तो मैंने पहले से ही बनाया हुआ, हमने बनाया है, ठीक है ना, ओके। तो अब हम लोग चलते हैं सोर्स में, जहां पर हम लोग पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। जाएंगे हेड टैग में, हेड टैग में नॉर्मली ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट को, क्यों, जिससे मैंने लास्ट में भी वही सेम बात की कि जिससे अंदर का कंटेंट चेंज ना हो जाए, ठीक है। स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट टैग को लगाकर, ठीक है, थोड़ा एंटर करके स्लैश स्क्रिप्ट कर ही देते हैं, ठीक है। तो इसको बंद करने की हम लोग भूल ना जाए और इसके बीच में हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे फंक्शन वैलिडेट और इसमें कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। अब देखो यहां पर सारी चीजें खुद से ही हमें टाइप करनी है, ठीक है। वैल लिखेंगे नेम, वैल लिखेंगे एफ एन लिख देते हैं फर्स्ट नेम के लिए, ठीक है। लिखेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में एक्सेस करेंगे, इसका फॉर्म का नाम क्या है मुझे बस वो देखना है। फॉर्म का नाम हमने दे दिया रेग फॉर्म, मैं इसको चेंज करके एफआरएम बन कर देता हूं, मुझे एक्सेस करने में आसानी है और कुछ नहीं, ठीक है। यहां पर अगर मैंने रेग फॉर्म लिखा है यहां पर, तो मैं इसकी जगह रेग फॉर्म लिख दूंगा, ठीक है। डॉट एफ नेम, क्योंकि क्यों एफ नेम, देखो आओ हमारे फर्स्ट नेम के इनपुट एलिमेंट के पास, कहां गया, ये रहा इनपुट एलिमेंट, दिख रहा है इनपुट नेम इक्वल टू एफ नेम, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट तो इसने अपने आप ही ऐड कर दिया। ये पीआर टैग जो है ना, मुझे ये रिमूव करना है, मैं वही सोच रहा हूं कि ये जो चीज है ना मैं यहां से एडिट करूंगा, ओके फर्स्ट नेम, ठीक है, इसको कर दिया और वापस चलते सोर्स में, सॉरी इसको कंट्रोल एस करते ना, ये अपने आप डिजाइन टैग में चला जाता है जब अगर आपने कोई चेंजेस किया हो इसके सोर्स में, ठीक है। वेयर फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू सेमीकोलन एंटर, ठीक है, इसी को मैं पूरा का पूरा
कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, टैब लगा देते हैं कि जिससे पढ़ने में आसानी रहे और कुछ नहीं, ठीक है। एंटर करते हैं और चार, ये चार हो गए। ये मैं लिख देता हूँ मिडल नेम, लास्ट में डाल देता हूँ लास्ट नेम, और यहाँ पर मैं ऐड करते रहूँ एड्रेस, ठीक है, ADDR। यहाँ पर हमें सिर्फ ये एम नेम करना है और यहाँ पर हमें सिर्फ एल नेम करना है और यहाँ पर कर देना है एड्रेस। देख लेते एड्रेस का जो हमारा टेक्स्ट एरिया है कहाँ गया, ये हॉबी आ गई। यहाँ पर से एंटर मारेंगे, ये दिखना चाहिए एड्रेस का। देखो टेक्स्ट एरिया का हमने नाम दिया होगा एड्रेस, ठीक है। ये जो नेम वाला, अब मैंने जैसे बताया कि ये अब इंपॉर्टेंस रखेगा, तो ये कैसे कहाँ पर डालना है, सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसका एलिमेंट और वो एलिमेंट के अंदर का एलिमेंट उसका नाम और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे वेरिएबल, चार वेरिएबल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं। कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर जाके हम लोग एक बार कंसोल करेंगे। कंसोल ओपन करने के लिए क्या करोगे, अपने कीबोर्ड पर क्लिक करोगे F12 को, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं तो फिर तो शांति से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब इसमें ना दिक्कत क्या आ रही है पता है, यहाँ पर कहीं पर ना ये हाइट क्यों ऐड, ये अपने आप से हाइट ऐड हो चुकी है कहीं पर, मुझे बस वो दिख नहीं रहा अभी। टेबल स्टाइल हाइट द सेल पैटिंग, ये मुझे हटाना है, सेल पैटिंग मुझे हटाना है। कंट्रोल एस करेंगे, थोड़ा बहुत अगर कुछ हो जाता है तो इसको, क्योंकि ये मुझे जगह ना बहुत ज्यादा दे रहा है, मुझे ये चीज नहीं चाहिए। कंट्रोल जेड करते हैं कुछ, इसमें टेक्स्ट अलाइन हो रहा है, ठीक है, इसको हटाते हैं, सेल स्पेसिंग को हटा के देखते क्या होता है। कंट्रोल आर, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी, जाने दो इसको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, अपनी तरफ। मुझे, मेरा टारगेट ये था कि ये जो ज्यादा स्पेस आ रही है ना बीच में, मुझे वो नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम लोग जाने देते हैं इसको। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट बी। अब आगे हम लोग जावास्क्रिप्ट में ऐड करते हैं, क्या हमें ऐड करना है, कोई भी फील्ड हमें ब्लैंक नहीं चाहिए। तो क्या लिखेंगे, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, fn लिख देंगे डबल इक्वल टू अ ब्लैंक स्ट्रिंग, और पाइप लगा देंगे, पाइप कौन सी थी, एंटर के ऊपर वाली की थी, राइट, और fn इक्वल टू नल लिख देंगे, ओके। और यहां पर से ओपन कर देंगे करली ब्रैकेट को और एक यहां पर टैब लगा के बंद कर देंगे। यहां पर मुझे अब क्या चाहिए, अलर्ट का बॉक्स चाहिए, अलर्ट क्या चाहिए, प्लीज एंटर योर नेम, एक्सक्लेमेशन, प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, क्योंकि एफ नेम के लिए वैलिडेट लगा रहा है, और ये सेमी कोलन से क्लोज कर दे रहे, ठीक है। लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट FRM1 डॉट FNAME डॉट फोकस, फोकस क्या करता था फिर से बता देता हूँ, कर्सर को वही इनपुट एलिमेंट के ऊपर लेकर आ जाता था, ठीक है, और रिटर्न फॉल्स करके इसको बंद कर देंगे, ठीक है। यहां पर से ये फंक्शन एंड हो जाएगा, सोर्स टैब पर वापस जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, अब क्या हो जाएगा, अब मैं एफ नेम में कुछ नहीं डालूंगा ना, तब सबमिट फॉर्म करूंगा तो अच्छा, ठीक है, ये यहाँ पर example3.html ओपन करना है। अब यहाँ पर मैं इसको सबमिट फॉर्म पर क्लिक करूंगा तो ये index.html पर जा रहा है, क्यों जा रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये फॉर्म टैग देख रहे हो, यहाँ पर फॉर्म टैग, इसमें क्या एक्शन क्या दिया हुआ है, देख रहे हो, समझ आया, ये दिक्कत थी। अब यहाँ इसके चेंज करके दो तरीके, यहां से भी आप चेंज कर सकते हो, वैसे तो तीन तरीके हैं। डिजाइन में जाके यहाँ पर आप फॉर्म के लिए सिलेक्ट करके, ये देखो एक्शन URL है, यहाँ पर आप example3.html ये भी लगा सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, यहाँ पर ये फॉर्म के पास रखो, स्प्लिट में जाओ, ठीक है, फॉर्म में सिलेक्ट करो, ये स्प्लिट में जाओ, ठीक है, तो यहां से भी आप इस फॉर्म के टैग को एक्सेस कर पाओगे, यहां से भी आप इसको चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर सिर्फ फॉर्म टैग में, ओके, यहां पर आ गए हम लोग, फर्स्ट नेम को हमने वैलिडेट कर दिया है, ठीक है। यही चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, ऐड कर देंगे MN और कर देंगे LN, ठीक है, लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम, इसको थोड़ा एंटर करके ना इधर थोड़ी सी रीडेबिलिटी मुझे बढ़ानी है, इसको थोड़ा टैब कर देते हैं, क्यों, इस मैंने बताया ना जैसे कि रीडेबिलिटी मुझे इसकी बढ़ानी है, मुझे दिखना चाहिए कि नहीं मैंने क्या काम किया है, ओके, ये एफ नेम और लास्ट नेम के लिए ऐड हो चुका है। एक और बार पेस्ट करेंगे, अब यहां पर मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा एड्रेस को ADDR, इधर मैं कर दूंगा एम नेम, इधर मैं कर दूंगा एल नेम, और इधर मैं कर दूंगा एड्रेस, ठीक है, ओके। अब सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये डिजाइन कर देते इसको, ठीक है। अब मैं यहां पर वापस आपको ऊपर ले जाना चाहूंगा, अगर ना आपकी मर्जी हो तो ये स्क्रिप्ट का आप यहां पर ऐड कर सकते हो, पता है ये स्क्रिप्ट को मैं ना ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर,
कट किया यहाँ से, एंटर किया, और इसको ना मैं एकदम ये इसके एंड में डाल रहा हूँ बॉडी टैग के पास। क्यों मैं कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ना मैं जब भी सोर्स का टैग ओपन करूंगा ना मुझे यही यही सबसे पहले बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से इसको थोड़ा एडिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको रीडेबल बना लेते हैं। अरे यार, ठीक है, और इसको भी कर देते। ठीक है, फाइन। अब वापस चलते सोर्स में। देखो ये मुझे अपने आप मिल गया, मुझे बस यही चीज चाहिए, मुझे थोड़ी सी आसानी चाहिए जीवन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते इसमें। अब क्या करना है, मैंने जैसे बताया कि जैसे हम लोग इसको फॉलो करते हैं ना, रुको इसमें बैक जाते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एफ नेम को मैंने एंटर नहीं किया, मुझे अलर्ट आना चाहिए कि प्लीज एंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, सबमिट फॉर्म किया, यहां पर मेथड इक्वल टू गेट कर देंगे। ठीक है, किधर गया फॉर्म, मेथड इक्वल टू गेट कर देंगे। ओके, अब यहां पर रिफ्रेश करते हैं इसको, कंटिन्यू करेंगे और सबमिट फॉर्म कर देंगे। ठीक है, एफ नेम इक्वल टू ब्लैंक अभी भी जा रहा है, तो कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इसमें जीवन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट नेम डॉट वैल्यू, ये है तो सही। हम लोग चेक करते हैं कि मैंने यहाँ पर इनपुट के एलिमेंट में क्या नाम दिया है। इनपुट नेम इक्वल टू एफ नेम, इसको कंट्रोल सी करते हैं, कोई बात नहीं, और इधर चल के पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी। ठीक है, फंक्शन का नाम सही लिखा है मैंने क्या, रिटर्न वैलिडेट, वैलिडेट, और इधर भी वैलिडेट ही लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट फंक्शन वैलिडेट। ठीक है, ये काम तो करना चाहिए, नहीं कर रहा है वो अलग बात है। सबमिट फॉर्म, कोई एरर आ रही है क्या? अच्छा, एरर आ रही है एचटीएमएल लाइन नंबर 107। जब भी ऐसी एरर आए ना, उस ये यहां पर ना आपको ये मिल जाएगा, ये लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप 107वीं लाइन पे चलते हैं, कुछ एरर है यहां पर, यहां पर क्या एरर है ये इसको चेक करते हैं। एफ एन इज डबल इन्वर्टेड कॉमा, वैसे है तो सही है चीज, इसमें थोड़ा स्पेस डाल देते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। रिफ्रेश करते हैं, अभी भी ये यहां पर एरर बता ही रहा है, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड इन आर्ग्यूमेंट। रुको, हम लोग क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं, पहले इस नल वाले को आगे ले लेते हैं, कंट्रोल एक्स किया, ठीक है, आगे बढ़े, कंट्रोल वी किया और ये नल को डाल दिया यहां पर। रिफ्रेश करके देखते हैं, अब हो गया। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं भी शायद ऑर्डर को फॉलो करना रहेगा। ठीक है, कंसोल पर जाते, कुछ और गड़बड़ हो गई है मिड, वो ये हो गया, तो मतलब यहां पर से हमें ये सारी चीजों को फिर से बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, क्या करूंगा मैं, इस सभी को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट कर दूंगा बस, क्योंकि मुझे अभी के लिए क्या चाहिए, मुझे बस सिर्फ ये फर्स्ट नेम के लिए अगर वैलिडेशन हो जाता है तो बस सिर्फ उसके बाद तो कॉपी पेस्ट ही डालना है, और ऑफ कोर्स वैलिडेशन हो चुका है बस, तो बहुत बढ़िया है। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी वी वी। ठीक है, यहां पर एफ एन को एम एन कर दूंगा, यहां पर एफ एन को एम एन कर दूंगा, और यहां पर एफ नेम को एम नेम कर दूंगा। सेम चीज यहां पर एल कर दूंगा, यहां पर भी एल हो जाएगा और यहां पर भी एल हो जाएगा। प्लीज एंटर योर मिडल नेम, प्लीज एंटर योर लास्ट नेम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एंटर कर देता हूँ और बस हो गया। कंट्रोल, इसमें थोड़ा टैब कर देते हैं जिससे हमें फिर से पढ़ने में आसानी हो। सेम चीज, अरे यार क्या दिक्कत है इसको जीवन में। आ जाते हैं वापस, इधर आ गए और इसको पी कर दिया हमने टैब टैब टैब, बहुत बढ़िया। सेव किया, सोर्स पर वापस चले जाएंगे, ऑफ कोर्स रिफ्रेश कर दें। अगर मैं लेट से मैंने यहाँ पर डाल दिया देवांश, ठीक है, और इसमें सबमिट किया, मुझे बोलेगा ये मिडल नेम डालो, और यहाँ पर फोकस वाला फिर से अप्लाई हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम और इसमें डाल देंगे हम। अब ये तीनों तीन अप्लाई हो चुके, बाकी के किसी में मैंने अभी तक वैलिडेशन नहीं डाला है, तो सबमिट फॉर्म कर देते, सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब मुझे एक बार डालना है इफ इन ब्रैकेट एड्रेस, ठीक है, एड्रेस अगर है मेरा नल, ADDR is null, और ADDR is a blank, is a blank one, ठीक है, blank है, तो मैं क्या करूंगा, alert दूंगा, alert क्या दूंगा, please enter address, ADDRESS, ठीक है, और यहां पर इसको बंद करूंगा, इसको ऐसे लाके,
ठीक है, फिर डाल देंगे हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट एड्रेस डॉट फोकस, ठीक है, फोकस फोकस नहीं फोकस, एंड रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, रिटर्न कर देंगे फॉल्स को, ठीक है, वापस जाएंगे सोर्स सोर्स को भी ओपन रखेंगे, ठीक है, कंट्रोल आर करेंगे, यहाँ पर फिर से कुछ सिंटेक्स एरर आ गई है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने फिर से वही गलती कर दी, इसको डबल इक्वल टू चाहिए यहाँ पर, ओके, तो डबल इक्वल टू करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सोर्स टैग में वापस जाएंगे और इसको रिफ्रेस कर देंगे, कंसोल से एरर अभी भी नहीं हटी है। अच्छा ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर एक और चीज भूल गया, क्या, एक और कर्ली ब्रैकेट बंद करना जो मैंने इफ टैग का ओपन किया था, है ना, ठीक है, तो अब यहाँ पर वापस रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर नहीं आ रही है। देवांश डालेंगे, अरे यार आप ही जा, हम डालेंगे और ये डालेंगे, करेंगे सबमिट फॉर्म, प्लीज एंटर अवर एड्रेस, आ चुका है, ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब मुझे सिलेक्ट करना है ये रेडियो बटन को, ये चेक बॉक्सेस को और ये सिटी वाले सिलेक्ट को, ठीक है, तो मैं चलता हूं, क्या करूंगा, मैंने जैसे ये फॉर्म बनाया ना, मैंने इसी ऑर्डर में मुझे ये वैलिडेशन भी ऐड करना है, ओके, तो मैं चलता हूं, एक और इफ स्टेटमेंट मैंने बनाया, क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट जेन ब्रैकेट जीरो डॉट चेक्ड इज इक्वल टू डबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, एंड यहां पर मैं अभी के लिए मैं एक ही को डाल रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा अलर्ट प्लीज सिलेक्ट जेंडर, ठीक है, इसको बंद करेंगे, लिख देंगे डॉक्यूमेंट, इसमें फोकस की वैसे जरूरत नहीं क्योंकि होगा भी नहीं, बट मैं फिर भी कर दे रहा हूं, एफ आर एम वन डॉट जेन ब्रैकेट जीरो डॉट फोकस ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर लिख देंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है, और इसको कर देंगे बंद, कंट्रोल एस करेंगे, सोर्स में वापस ले लेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है, यहां पर जाएंगे हम लोग, फर्स्ट नेम डाल देंगे, यहां पर डाल देंगे हम, यहां पर डाल देंगे जो भी हमें डालना है, और यहां पर अब क्या होगा, क्योंकि ये एक ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है, ये ऊपर से नीचे ही चेक आ रहा है, तो सबमिट फॉर्म करेंगे, प्लीज सिलेक्ट जेंडर हमें बोल देगा, अब यहां पर मैंने फॉर्म जेंडर को सिलेक्ट कर दिया, सबमिट फॉर्म करेंगे, ये बोलेगा एड्रेस को सिलेक्ट करो, एड्रेस लिखो, ठीक है, तो मैं फिर से यही चीज लिखूंगा, ऑफ कोर्स जो हमने लास्ट टाइम भी लिखी थी, लेकिन अभी के लिए जाने दो, ठीक है, अभी मुझे यह हॉबी के लिए डालना है। इसके पहले मैं समझाना चाहता हूं कि ये जेन ये स्क्वायर ब्रैकेट अब मैंने क्यों यूज किया, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं पहले कॉपी करता हूं, पाइप लगा देता हूं और कार लगा देता हूं, यहां पर लिख देता हूं जेन ब्रैकेट वन, सॉरी और नहीं, एंड लगाना पड़ेगा, अब यहां पर डबल एंड लगाएंगे, क्यों डबल एंड लगाएंगे, अब मैं ये जो मैंने लाइन लिखी ना, मैं ये पूरी चीज आपको समझाता हूं कि मैंने क्या किया है। जाते डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म वन उसका एलिमेंट, उसमें जेंडर नाम के इनपुट का जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्रोग्रामिंग के चीज प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में फर्स्ट एलिमेंट को जीरो नंबर दिया जाता है, सेकंड एलिमेंट को वन दिया जाता है, थर्ड को टू दिया जाता है, ऐसे चलता है, ठीक है, ये सेम चीज इंडेक्सेस की तरह काम करती है, ठीक है, ओके, तो ये जेन इन ब्रैकेट जीरो ये होता है ना, ये जो हमने बात की, ये क्या होता है, एक एरे को रिटर्न करता है, एरे मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, ठीक है, ज्यादा इसमें अभी डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जावा जब आएगा तब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, तो ये जेन ब्रैकेट जीरो को चेक किया, मतलब जेन फर्स्ट वाला जब जेंडर नाम का फील्ड जब फर्स्ट बार अपियर हो रहा है, अगर उसको भी सिलेक्ट नहीं किया गया है, और उसका जब वो सेकेंड टाइम अपियर हो रहा है उसको भी सिलेक्ट नहीं किया गया है, तब आपको ये चीज अप्लाई करनी है, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर जब हम लोग वो हॉबी वाला देख रहे थे, ठीक है, तो मैंने यहां पर नेम को मैंने आपको चेंज करा था हॉबी के लिए, ठीक है, ये इनपुट टाइप इक्वल इनपुट नेम इक्वल टू हॉबी, ठीक है, यहां पर मैंने ये चेंज करवाया था आपको, ये एक और हो जाएगा स्पैन स्टाइल इसका, ठीक है, इसको बैक ले लेते, ठीक है, छोड़ो जो भी हो, ओके, और एक और इनपुट ये रहा, ठीक है, इसलिए मैंने ये नेम तीनों को मैंने चेंज कराया हॉबी को, ठीक है, अब हम लोग लास्ट एक और लिखेंगे, इफ इन ब्रैकेट डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट हॉबी, फिर से अब यहां पर मैं क्या करूंगा, फिर से एरे को इनिशियलाइज करूंगा, डॉट चेक्ड इज डबल इक्वल टू फॉल्स, एंड डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट हॉबी ब्रैकेट वन डॉट चेक्ड इज डबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, और इसको मैं फिर से इसको यहां से मैं कॉपी करूंगा और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है,
हॉबी ब्रैकेट कर देंगे इसमें टू को, ठीक है, इज फॉल्स। अगर ये तीनों तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रही है तो आपको क्या करना है, अलर्ट देना है प्लीज सिलेक्ट अ हॉबी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट हॉबी, यहां पर क्योंकि ये तीन चीजों का एरे है तो मुझे एक चीज यहां एक कोई भी एक वैल्यू मुझे यहां पर सबमिट इसको बतानी पड़ेगी कि इसके ऊपर फोकस करो, ठीक है, रिटर्न कर देंगे फॉल्स को और यहां पर इसको बंद कर देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, सोर्स में जाएंगे वापस, वही रिटर्न होना है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे इसको रिफ्रेश कर देंगे, ठीक है, कोई एरर नहीं आई है, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। फर्स्ट नेम को मैंने नहीं भरा, एफ नेम के लिए बात बता दी, ठीक है, तो मैंने यहां पर ऐड कर दिया मेरा नाम, यहां पर ऑफकोर्स ये तीनों तीन चीज हमारी हो चुकी, यहां पर मैंने डाल दूंगा आपको जान के क्या मतलब, ठीक है। अब मैं सबमिट करूंगा फॉर्म को, प्लीज सिलेक्ट हॉबी आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा एड्रेस को उड़ा दूंगा, फिर भी मैं सबमिट करूंगा तो सबसे पहले मुझे बोलेगा कि हॉबी को सिलेक्ट करो, सीधी सी बात है, ओके, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता, क्लियर कर देते, ठीक है, वापस चलते, ये अब एड्रेस के लिए वैलिडेशन आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब ये मुझे लाना है ये ड्रॉप डाउन के लिए, मैं जाऊं मैं लिखूंगा इफ इन ब्रैकेट सिलेक्ट जो एलिमेंट था ना हमारे यहां पर दिख रहा है ड्रॉप डाउन एलिमेंट, ये रहा सिलेक्ट का नेम हमने दिया हुआ सिटी करके, ठीक है। अब यहां पर मैंने बताया जैसे कि नाम नाम के एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट का अब इंपॉर्टेंस आ चुका है, इफ डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट सिटी डॉट सिलेक्टेड, जो चेक्ड था ना वही चीज उसी तरह से लिखना है, या तो यहां पर चेक्ड आएगा या फिर सिलेक्टेड आएगा, डबल इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन मतलब क्या कि जो हमारा इनिशियल है, ठीक है, मतलब जो सबसे पहले हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसको दी है, सबसे पहला ऑप्शन, ठीक है। अब यहां पर ना मुझे एक बार चेक करना है कि कुछ एरर नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया एरर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं बोल दूंगा अलर्ट अलर्ट क्या कौन स्पेलिंग बोल गया मैं अलर्ट प्लीज सिलेक्ट योर सिटी, ठीक है। यहां पर आपको याद रखना है जब भी ड्रॉपडाउन की बात होती है तब हम लोग बात करते हैं सिलेक्टेड को, और जब भी हम लोग रेडियो बटन या फिर चेकबॉक्स के लिए बात करें तो हम लोग बात करते हैं उसके सिलेक्शन या फिर चेक्ड को, ठीक है। तो वहां पर हम लोग हमने यहाँ क्या यूज किया, चेक्ड यूज किया था, ठीक है, याद है एचटीएमएल में भी हमने चेक्ड यूज किया था, सिलेक्ट फिर हमने यहाँ पर ऑप्शन के लिए यूज किया था, है ना। वापिस चाहते हैं लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट एफ आर एम वन डॉट सिटी डॉट फोकस, ठीक है, फोकस कर देंगे और इसको लिख देंगे रिटर्न फॉल्स, करूंगा यहां पर ये इफ स्टेटमेंट को तो मैंने बंद कर चुका हूं, ठीक है, ओके, सोर्स में जाऊंगा मैं, यहां पर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से लेके यहां तक पूरे सारे फील्ड्स को मैं भर दूंगा और लास्ट को मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये एट द एंड हमें ये चेक हो रहा है, ठीक है, इसको मैंने कुछ भी कर दिया आपको जानते क्या मतलब, ठीक है, और इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, मुझे वापस वापस इसको टाइप नहीं करना, सबमिट करेंगे नहीं हुआ, ओके, कोई बात नहीं, इसको ये सिंगल इक्वल टू करके हम लोग चेक करते हैं क्योंकि मुझे भी जब तक याद था यही चीज था, सिंगल इक्वल टू था, ठीक है, मेल ले लेंगे, इसमें ये ले लेंगे, इसमें पेस्ट कर देंगे, सबमिट कर देंगे, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी आ चुका है, बहुत बढ़िया, ओके, तो यहां पर ये देखो फोकस भी हो चुका है, हम लोग लेट से हम लोग सिलेक्ट कर रहे वडोदरा तो सबमिट कर देते हैं, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी वापस क्यों आ रहा है, ओके। तो यहां पर इन लोगों ने ना एक छोटा सा और एक चेंज किया है, सिलेक्ट में जाएंगे ऑप्शन में जाएंगे, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना यहाँ पर, इसमें इन लोगों ने वैल्यू दे दी है इस जगह को माइनस वन करके, ठीक है, तो यहाँ पर ये डिफरेंस है इन तीनों का, अगर आपको आगे जाके इसका प्रोसेसिंग करना है तो वैल्यू इक्वल टू वन दे सकते हो, ठीक है, इस हिसाब से आप इन सभी को वैल्यू दे सकते हो, मैं यहाँ पर आपको करके बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी अभी जरूरत हमें है नहीं, ओके, तो यहाँ पर ये एक दो तीन चार, तो ये वन ये टू ये थ्री ये फोर, ओके। अब हम लोग वापस जाएंगे, यहां पर आएंगे, कंट्रोल आर करेंगे, यहां पर हम लोग सारे नाम और ये सारी चीजें हम लोग ऐड कर देंगे, सारी चीज फील्ड्स भर देंगे, यहां पर ये ले लेंगे, यहां पर ये ले लेंगे और यहां पर लिख देंगे कंट्रोल भी, कुछ भी डालो ना क्या फर्क पड़ता है आपके लिए, सबमिट फॉर्म करेंगे, यहां पर बोलना चाहिए प्लीज सिलेक्ट योर सिटी, एंड ऑफकोर्स ये चीज यहां पर फॉलो होती है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, हमने ये जो दो एग्जाम्पल्स हमने किए ना वो मैं चीज यहां पर से कवर अप कर लेता हूं, ठीक है, फटाफट देखेंगे इसको, है ना, ओके, यहां पर देखो कहां गया,
मेरा ये देखो पिन कोड वाला ये था, ठीक है। ये पिन कोड में मैंने आपको आगे जाके तीन ये अलग अलग चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये ब्लैंक है तो क्या होगा, अगर ये नॉट नंबर है तो क्या होगा, ठीक है। ये हमने अलग अलग चीजें हमने ऐड की थी, ठीक है। ओके, इसके बाद सम न्यूमेरिक वैल्यू लेस देन सिक्स डिजिट, तो फिर वो उसने ऐड कर दिया। अब इन लोगों ने ये दूसरा वाला हमारा जो ये सेकेंड एग्जाम्पल था ये वाला, इसमें ये लोग आ गए, इसमें ये लोगों ने बता सॉरी इसको इसको हटाओ, ठीक है। खैर यहाँ पर बोल दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म को करो, यहाँ पर क्या बोल दिया जेंडर और हॉबी फील्ड को सिलेक्टेड नहीं रखना है, एड्रेस फील्ड को कोई इनिशियल टेक्स्ट नहीं देना है, और सिटी में अंदर देखो यहाँ पर ये हमने जो लास्ट में किया ना, यहाँ पर ये ऑप्शंस वाला, ये ऑप्शन वाला वैल्यू के लिए, ठीक है। ये वैल्यूज इन लोगों ने दे दी है, व्हिच वैल्यू इज -1, ऑल अदर ऑप्शन है दिस, ठीक है। ये चेंजेस इन लोगों ने बनाए हैं, ठीक है, ये खुद से किए गए हैं। ओके, यहाँ पर इन लोगों ने ये किया है, ठीक है। ओके, फॉर्म डिफाइंड फॉर्म में गए, पोस्ट में गए, वैलिडेट फॉर्म कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पर ये सारे वैल्यूज को इन लोगों ने एक्सेस कर लिया, ठीक है। और देखो यहाँ पर इन लोगों ने ये फिर से एरे वाला बना दिया। मैं यहाँ पर ना ये जो पार्ट है, ये चीज हम लोग मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये वेरिएबल स्टेटमेंट टर्म फॉर्म वन रिफर्स टू द फॉर्म नेम, फर्स्ट टाइम रिफर्स टू द एलिमेंट नेम, एंड दस ये वेरिएबल एक्स वाई जेड जो ये चार इन लोगों ने वेरिएबल बनाए, हमारे में एफ एन एम एन ये सारे थे, याद आया, एफ एन एम एन एल एन ए डी डी आर ये सारे थे, ठीक है। तो ये सेम चीज इन लोगों में, अब इफ कंडीशन से ये लोग क्या वैलिडेट करें, एक्स एक्स खाली नहीं है, मतलब फर्स्ट नेम खाली नहीं है, मिडिल नेम खाली नहीं है, लास्ट नेम खाली नहीं है, या फिर एड्रेस खाली नहीं है, ठीक है। रेडियो बटन ऐड किया इन लोगों ने, सबसे पहले जेंडर, जेंडर इज एन एरे विद टू एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ जेंडर एरे इज चेक इफ इफ कंडीशन जीरो इज चेक, ठीक है, और इस चेक यूजिंग द फर्स्ट, ठीक है। ये जीरो और वन एल एरे की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, एरे हम लोग देखेंगे जावा में, ठीक है। सिमिलरली चेक बॉक्सेस फॉर हॉबी फील्ड आर ग्रुप बाय द नेम हॉबी, ठीक है। ये मैंने इसलिए चेंज करवाया था वहां पर ऊपर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ने यहाँ पर देखो फॉर द सिटी इन लोगों को एक्सेस किया है, ठीक है, सेम चीज है, एरे की तरह इसको ट्रीट किया है, ठीक है। और जैसे अगर कुछ सिलेक्टर नहीं है तो अलर्ट बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। और अब ज्यादा सिटी सिटी फील्ड में भी सेम बात हो गई कि सिटी फील्ड में वैल्यूज को हमने चेंज किया था जो चीज हमने नहीं दी थी, ठीक है। एलर्ट व्हेन शो जेंडर इज एम्प्टी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का पूरा कंक्लूजन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने यहाँ पर क्या क्या हमें रिवाइज करा है, मैंने यहाँ पर CSS को यहाँ पर ऐड करके बताया है आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मैंने ऐड करके बताया है आपको, ठीक है। ये सेम अप्रोक्स नोटपैड की तरह दिख रहा है, ठीक है। नोटपैड में थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छे से लिख पाएंगे हम, लेकिन कोई बात नहीं, इस पर कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।